Jai Ram Shubhadam Devi Shri Chakrasthita Param Vatsalam Mataram Sushamam Vijaya Lakshmi Namamyaham. क्यों चिल्ला रहे हो? विश्वा ने अपने बिल्ला को मार डाला है। क्या? विश्वा ने बिल्ला को? इस वक्त विश्वा कहाँ होगा? वो ड्राइवरों की बस्ती है ना, वहीं कहीं छुपा है। पुलिस भी उसे तलाश कर रही है। पुलिस सिर्फ उसे तलाश करती रह जाएगी, पता भी नहीं लगा सकेगी, क्योंकि बस्ती वाले उस पर जान छिड़कते हैं। तुम एक काम करो, उस बस्ती में आग लगा दो। घबरा के लोग बाहर निकलेंगे और उस भीड़ में विश्वा भी बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा शेरा उसे कच्चा खा जाएगा। विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहिए जा साहिबा। हाँ हाँ विश्व प्रताप, उफ विश्वा, तुमने पहली नवंबर की रात खुलेआम बिल्ला नाम के एक आदमी पर तलवार से हमला करके उसका खून कर दिया।
तुम इस जुर्म को कबूल करते हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा सवाल है कि तुमने कत्ल किया है या नहीं? और मेरा जवाब यही है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो फिर पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया? पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाला हर इंसान गुनाहगार नहीं होता जज साहिबा। भारत की पवित्र धरती से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने वाले महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, क्या वो भी गुनहगार थे? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। योर ऑनर, पहले गवाह की हैसियत से मैं उस बस्ती में चाय की दुकान चलाने वाले विभाकर चोगले को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। नमस्कार विभाकर चोगले जी। इस मुजरिम को गौर से देखो और बतलाओ कि मकतूल बिल्ला का कत्ल होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब, एक गिलास पानी मिलेगा, मेरा गला सूख रहा है। आपका क्या सूख रहा है? गला सूख रहा है। पानी प्लीज। अब बतलाओ, इस मुल्जिम को मकतूल बिल्ला का कत्ल करते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब, एक सोडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस चोगले के गले से आवाज बाहर नहीं निकल रही। सोडा प्लीज। अब बतलाओ, जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस मंजर को तुमने अपनी आंखों से देखा था? वकील साहब, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं ऊंचा सुनता हूँ। जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस वक्त तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। यही बोलने के लिए तुम यहाँ पर आए थे? हाँ, यही बोलने के लिए आया था। आप जा सकते हैं, जाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब जी, क्या आपने मुजरिम विश्व प्रताप को कत्ल करते हुए देखा? जी कत्ल करते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इसने बिल्ला का खून किया और इसकी इत्तला मुझे फोन पर मिली। फोन किसने किया? जी मुझे नहीं मालूम। और आपका ये कहना है कि आप पूरी छानबीन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कातिल मुलजिम विश्वा है, यही कहना चाहते हैं ना? यस योर ऑनर, इस कत्ल से संबंधित सारी रिपोर्ट्स कोर्ट में जमा करा दी गई है। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। शेरा, आज अदालत में विश्वा जिस हिम्मत और यकीन के साथ जवाब दे रहा था उससे तो लगता है कि उसे विश्वास हो गया कि कोई इसके खिलाफ गवाही दे ही नहीं सकता और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसी मनुष्य टाइप की बातें मुंह से मत निकालिए। अगर वो कैद से बरी हो जाएगा तो हम लोग तो जिंदगी की कैद से बरी हो जाएंगे। जिस टाइप से उसने बिल्ला का कत्ल किया है ना, ठीक उसी टाइप से हम सबको बिल्ली समझ के हमारा भी कत्ल कर देगा। बंद कर अपनी घटिया और बेहुदा बकवास। ठक्कर से टक्कर लेने में पहाड़ों को पसीना आ जाता है तो यह किस देखची का मसाला है? रास्ता पार करते हुए कुत्तों को जैसे लारी कुचल के निकल जाती है उसी तरह कुचलवा के रख दूंगा इस बिना दांत के कुत्ते को। अगर वो रास्ता पार ही नहीं करेगा तो आप उसे कैसे कुचलवा देंगे, वो तो जेल में है। शेरा, किसे मारना है? अपना वो हवलदार जग्गा उसी जेल में ड्यूटी पर है ना? हाँ। विश्वा ये ले। क्या है? आज 15 अगस्त का दिन है, सब कैदियों में मिठाई तकसीम की जा रही है, ये तुम्हारे हिस्से की है।
अस्पताल ले जाओ। ताला खोलो, तुम मेरे साथ आओ। विश्वा? विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहिए जेलर साहब। विश्व प्रताप, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो, गरीबों के दुख दर्द में काम आते हो और बस्ती के तमाम गरीब तुम्हें फरिश्ता कहते हैं। कातिल हूं ये सुना नहीं आपने? वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शक है कि तुम्हें बिलावजह गिरफ्तार किया गया है और जो अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है वो उसकी ताजा मिसाल है। विश्व प्रताप, अगर वाकई तुम बेगुनाह हो तो सच्चाई क्या है मुझे बताओ, जो कुछ मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूंगा। मेरी कहानी सुनकर आप मुझे इंसाफ दिला सकेंगे? बेशक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर सुनिए, मैं ठक्कर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक सिकंदर लाल ठक्कर के वहां लॉरी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। और हम बने क्या बात है? आप मेहरबानी करके मुझे जरा शहर छोड़ दीजिए। कमाल है, मैं अब जा रहा हूँ और आप मुझे डाउन जाने को कह रही हैं। अच्छा ठीक है, जरा आगे ले चलिए, मैं किसी बस्ती से टैक्सी पकड़ लूंगी। आइए। शुक्रिया। जरा गाड़ी तेज चलाइए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। आप कोई रॉन्ग नंबर की सवारी लगती हैं? जी जी, क्या क्या मतलब? मतलब ये कि ये पुलिस आप ही की तलाश कर रही थी ना? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो सीधी तरह से बता दो वरना सीधा पुलिस के हाथ में दे दूंगा। नहीं नहीं, बताती हूँ, सच सच बताती हूँ, मैं करोड़पति की यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ। कसम है चिराग की, चंदा से चमकते हुए दिमाग की, तुम जरूर वहाँ से कुछ चुरा कर भागी होगी। जी, कैसी बातें करते हैं आप, मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। अच्छा तो किस किस्म की लड़की हो, इस बात पर अपने दिमाग के चिराग की जरा रोशनी टपकाएंगी? जी टपकाती हूँ, मेरा मालिक अच्छा आदमी नहीं था, उसने मुझे बेसहारा गरीब समझ कर मेरा हाथ थामने की कोशिश की, मैंने उसकी पिटाई कर डाली, उसका सर फोड़ दिया, इसलिए वहाँ से भाग निकली कि उसके लोगों के सामने बदनामी ना हो, इसलिए उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, बस इसलिए पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मेरी मदद कीजिए, एक बेसहारा इज्जतदार लड़की को बचा लीजिए, मैं मरकर भी आपका एहसान नहीं भूलूंगी, मुझे सहारा दीजिए मुझे। चिराग, बात के चिराग में रोशनी तो लगती है उस्ताद, फिर ले जाए इस छोरी को घर। बेफिक्र। ईश्वर प्रसाद जी, आप परेशान क्यों होते हैं, आपकी बेटी को बच्ची तो है नहीं जो खो जाएगी। अरे खो नहीं गई, अपने बाप का घर छोड़ के भाग गई है वो। आपके इस निकम्मे और नाकारा बेटे के साथ हम जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे, इसलिए बाप को छोड़कर भाग गई है वो। अरे डैडी, ये कौन से टाइप की बात हुई, बेटी इनकी भाग गई है, निकम्मा और नाकारा मुझे कह रहे हैं। अबे तू चुप कर, टकली। ईश्वर प्रसाद देखिए ठक्कर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे आप चिंता क्यों करते, मैं हूं ना आपके साथ। नो थैंक यू ठक्कर साहब, अपनी परेशानी मैं खुद झेल लूंगा, लेकिन आप कृपा करके आज से बल्कि अभी से इस शादी वाली बात को हमेशा के लिए भूल जाइए। भूल जाऊं? ऐसे कैसे भूल जाऊं ईश्वर प्रसाद जी, हमारे तौर तरीके एक हैं, जिंदगी का अंदाज एक है, बिजनेस का स्टाइल एक है। कोई स्टाइल वाइल एक नहीं है, बल्कि मुझे धोखे में रखकर आप मेरे नाम पर गलत कारोबार करते रहे, मेरी कंपनी के माल में अपना स्मगलिंग का माल ले जाते रहे, मैं बेखबर रहा। ईश्वर प्रसाद जी, इस दुनिया में जुर्म करना गुनाह है, मगर जुर्म से बेखबर रहना उससे भी बड़ा गुनाह है। अगर मेरा माल आपके नाम से स्मगल होता रहा और आप बेखबर रहे, तो इसमें आपकी बदकिस्मती है, मेरी नहीं। और कम से कम इस जन्म में तो इस बदकिस्मती के दलदल से निकलने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं दुनिया को बता दूंगा क्या आप मेरे साथ फरेब करते हैं। एक मिनट, ईश्वर प्रसाद जी, अगर आपने जल्दबाजी में मेरे कारोबार का राज फाश किया तो मैं आपकी जिंदगी पाश पाश करके रख दूंगा। ईश्वर प्रसाद जी, आप शरीफ आदमी है और ठक्कर बदमाश है, और इतना बदमाश है कि सारी दुनिया के बदमाश उसकी पूजा करते हैं, इसलिए ठक्कर की बात को भगवान का प्रसाद समझकर मान जाइए, उसे टकराइए मत, इसी में आपका भला है, याद रखना मेरी बात को। अरे
अरे गुरु, अरे गुरु, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। अरे उस्ताद मर गया, क्या हुआ? मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी भैया आ गए, तुम जाओ। ए लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे वो लक्ष्मी भैया, लक्ष्मी ये क्या हुआ? इधर। ये कौन? ये इस घर में मुझ पर हुक्म चलाने वाली, इस दुनिया में मेरी गलती पर डांटने का हक रखने वाली एक और सिर्फ एक हस्ती है। क्या ये मेरी बहन लक्ष्मी? बहन? हाँ बहन। और लक्ष्मी यह लता। हाँ, तभी खुशबू आ रही है। अरे नहीं नहीं, ये चंपा चमेली के फूलों की लता नहीं है, सिर्फ नाम की लता है। आज से कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। और कुछ दिनों के बाद? अरे बाबा, तू खाना वाना खिला, बातचीत कर, मैं जरा ऑफिस होकर आता हूँ। हाँ, हाँ, आप जाइए, मैं इसे बहुत सारे बातें करूंगी। ये सड़ाना नहीं है। चलो लक्ष्मी, अरे आ जाओ, इसे अपने ही घर समझो, घबरा मत। हाँ? अरे क्या करता है तू? इतनी मरता का थूका मत कर, मुंह में धागा है। तू निकाल ये धागा। ठीक पिताजी, पिताजी आज मैं पुण्य का काम करने जा रहा हूँ। वो हमारा माली है ना, माली, उसकी भैंस ने दो बछड़े दिए, मैं उसका मुंह मीठा करवाने जा रहा हूँ। माली की भैंस ने दो बच्चे दे दिए? धोबन की कुतिया ने 12 बच्चे दे दिए। मैंने जो बैंक में पैसे रखे हैं वो ब्याज की शक्ल में बच्चे पे बच्चे देते चले जा रहे हैं। अबे तू छोटा सा खिलौना लेकर कब आएगा? खिलौना? आप मुझे पैसे दो ना, मैं बाजार से खिलौना लेकर आता हूँ। अबे अबे वो खुशी को शर्माने वाले बेवकूफ, अबे तू बाप का बनेगा? बाप? पिताजी मैं क्या करूँ, सुबह से शाम तक मंदिरों का चक्कर काटता रहता हूँ। अबे खच्चर, 12 महीने मंदिर के चक्कर काटने के बजाय अगर खाली 2 महीने तू अपनी बीवी के चक्कर काटेगा ना, तो खुद ब खुद हंसता हुआ मुन्ना घर में चला आएगा। आपका मतलब है कि अपनी बीवी को खंबे के साथ बांधकर सुबह शाम उसके चारों तरफ कोलू के बैल की तरह मैं चक्कर काटता रहूंगा तो मैं बाप बन जाऊंगा और आप दादा बन जाएगा मेरा? अबे हाथी के शरीर में गधे की अकल रखने वाले जानवर तू समझता क्यों नहीं है? अपनी बीवी के साथ रहा कर। ठहर मैं बुलाता हूँ तेरी बीवी को। उसका नाम क्या है? कोई अपनी बीवी का नाम थोड़ी लेता है। कितना थूकता है? माला बेटी। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? अरे मैंने नहीं, इस गधे ने बुलाया, इसको साथ ले जा। इसको तो अकल नहीं है मगर तुझे तो है, चल जा रहे। पिताजी आप भी आओ ना। हेलो। क्या पिताजी? ये लाल फोन मेरा है, 1000 बार का है, कोई इस फोन को हाथ नहीं लगाएगा, जो लगाएगा वो थप्पड़ खाएगा, इसलिए मारा। अब पिताजी आपकी तो बात ही अलग टाइप की है, मैंने 1000 टाइप के लोग देखे मगर आपके जैसा टाइप नहीं देखा। रॉन्ग नंबर। टक्कर में शेरा, मैंने अपने प्लान के मुताबिक सारा काम करवा दिया है, बस सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। मैं आ रहा हूं। इस तरह मुझे घूर घूर के क्यों देखे जा रही हो? मैं हिंसा नहीं लगती हूँ क्या? अरे हंस क्यों रही हो? क्या क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं नहीं, गलत मत समझना, क्या है दरअसल हम लोगों में ना शर्त लगी है। मैंने इन लोगों से कहा कि तुम है ना मेरे भैया से वो प्यार करती हो, इसलिए वो तुम्हें घर ले आए, मगर ये लोग कहती है कि नहीं नहीं, तुम उन्हें कहीं रास्ते में भटकती हुई मिल गई होंगी और उन्होंने तुम पर दया करके तरस खाकर तुम्हें घर ले आए। अब तुम ही बताओ ना सच क्या है। हाँ मैं तो रात ठहर चला था। अपनी असलियत मत बताना वरना इन लोगों को शक हो जाएगा और बात लोगों तक फैलकर पुलिस तक पहुंच जाएगी, संभाले मामला। आप मैं अपने मुंह से क्या कहूँ लक्ष्मी, मुझे शर्म आती है। दरअसल जो तुम समझ रही हो ना वही सच है। वो मारा सुना तुम लोगों ने, अब तो मानती हो? अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये चांद सा टुकड़ा आकाश से उतरकर मेरी भाभी बनकर मेरे घर को चमकाने आया है। हार गई ना तुम लोग, चलो चलो ये बात जाकर बस्ती में सबको बताते हैं। अरे लक्ष्मी सबको मत बताना। अरे बाप रे, गई काम से। क्या रहे जगन? नमस्ते मालिक। मैं क्या सुन रहा हूँ, तू लॉरी ले जाने से इनकार कर रहा है? इनकार नहीं कर रहा हूँ मालिक, दरअसल कल मेरी बेटी का ब्याह है। तो क्या हुआ, तू कौन सा कहीं का महाराजा जो तेरे न होने से तेरी बेटी का ब्याह रुक जाएगा? चल लॉरी लेकर जा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, सगा बाप नहीं होगा तो बेटी का ब्याह कैसे हो सकता है, कन्यादान कौन करेगा? मैं ज्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ, अगर बेटी का ब्याह नहीं प्यारा है तो जा इसी वक्त नौकरी छोड़ के चला जा। जिस तरह आपके मरने पर आपकी चिता को अग्नि देने के लिए
आपके बेटे का होना जरूरी है, उसी तरह जगन के लिए बेटी का कन्यादान करना उससे ज्यादा जरूरी है। ए विश्वा! ए विश्वा नहीं, मिस्टर विश्व प्रताप कहो। आइंदा गलती नहीं करना चूजे। और एक बात सुन लीजिए, इसे 3 दिन की छुट्टी देनी होगी, 3 महीने का एडवांस देना होगा, वरना ये लॉरी तो क्या, इनमें से एक भी लॉरी 1 इंच आगे नहीं जाएगी। ठीक तो कह रहा है। शाबाश विश्वा, बहुत खूब। मैं दरअसल तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा था। वो लोगों ने मशहूर कर रखा है ना कि गरीबों को सिर्फ दौलत से प्यार होता है, औलाद बेटी रस्म रिवाज सबको ठोकर में मारते हैं। मैं मान गया, आज ये ठक्कर गरीबों के दिल की अमीरी को मान गया। क्यों पार्टनर? और इसलिए जगन को सब कुछ मिलेगा, 3 दिन की छुट्टी भी मिलेगी और 3 महीने का एडवांस भी मिलेगा शादी के लिए। अब तो खुश हो मिस्टर विश्व प्रताप? ठीक है, इस गाड़ी का सामान मेरी गाड़ी में चढ़वा दीजिए। आज जगन चाचा की जगह मैं चंबल घाट जाऊंगा। ए चिराग! चंबल? बाप रे, मर गया। उस भयानक जंगल में दिन दहाड़े शेर चीते लगड़ बग्घे आजादी से ऐसे घूमते रहते जैसे गुड़ पर मक्खियां पिकनिक मनाती हैं। मैं नहीं जाने वाला, मैं कुछ चक्कर फिट करके वहां से फूट लूंगा। अबे ओ बुझे हुए चिराग, जल्दी आ। गुड मॉर्निंग गुरु। ए, तुम कहां जा रही? वो चिराग का बच्चा कहां है? उस बेचारे को बहुत जोर का दर्द हो रहा है गुरु। हा? अरे झूठ बोलता है साला, नाम चिराग है लेकिन उसके अंदर से 400 पीसी का अंधेरा निकलता रहता है। जा बुलाओ उसको। अरे सच गुरु, उस बेचारे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए इस ट्रिप में अपने साथ लपेट लो गुरु। क्या? तुम्हें और अपने साथ? हाँ गुरु, क्लीनर बन के चलूंगी। ए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अबे अरे चिराग! गुरु गुरु मेरी बात तो सुनो, अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और कहीं वो पैसे वाला आ गया और मुझे जबरदस्ती ले गया तो? नहीं नहीं। अरे ये तो तुमने अजीब झंझट में डाल दिया। आ जाओ, चल जाओ। अरे जी मेरे प्यारे प्यारे गुरु, थैंक यू। गुरु अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी या हैंडल को मारना पड़ेगा? ओ, अपनी गाड़ी को स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, स्विच मारते ही चालू हो जाती है। सियानी मत बन, चढ़ जा। राइट राइट, चलो गुरु। बच गया, ये चिराग बुझने से बच गया। सुने चलो नीचे उतरो। नीचे? मैं क्यों उतरू? अरे तुम्हारी सूरत देखने के बाद लोग गंदी गंदी हरकतें करते और एक्सीडेंट कर बैठते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ कसूर तो मेरा है, अगर एक्सीडेंटों का यही हाल रहा ना तो चंबल घाट पहुँचते पहुँचते सेंचुरी हो जाएगी। चलो नीचे उतरो। मगर मैं यहाँ उतर कर जाऊंगी कहाँ? ये लो पैसे और कोई बस पकड़ लो, चलो उतरो। बीच रास्ते में थोड़े से पैसे देकर एक अकेले लड़की को उतार रहे हो? कोई बात नहीं, भगवान तुमको भी अगले जन्म में लड़की बनाएगा और तुमको भी कोई ऐसे ही छोड़ कर जाएगा। चल 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 हट, तब पता चलेगा। अरे चल चल फुट।
अकेला तू भी अकेली लड़का अकेला तू भी अकेली मैं भी अलबेला तू भी अलबेली तेरा दीदार चाहिए तेरा मुझे प्यार चाहिए अनेकों बार चाहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा आके तेरी घट गई दिल को मीठी मीठी बात तेरी तिगी तिगी आके तेरी घट गई दिल को दिल मेरा पंचर हो गया ये कैसा चक्कर हो गया अरे दिल मेरा तोड़ चला कहा मुझे छोड़ चला मोड़ चला मुखड़ा दिल मेरा तोड़ चला कहा मुझे छोड़ चला मोड़ चला मुखड़ा लड़का अकेला तू भी अकेली लड़का अकेला तू भी अकेली क्या? बक बक बंद करो देखो पंक्चर किधर हुआ है उतरो गुरु ओ गुरु ये देखो ये टायर पंचर हुआ है देखो गुरु टायर पंचर हो गया इसमें हंसने की क्या बात है जाओ जाकर जैक लेकर आओ जैक वो कौन है अरे जिससे लॉरी उठती है कितना बड़ा होता है गुरु इतना बड़ा इतना सा जैक
इतनी बड़ी लॉरी को कैसे उठा सकता है? देखो फजूल की हुज्जत मत करो, जाओ केबिन से जैक लेकर आओ। ठीक है। गुरु जैक जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, तुमको जो साथी बनाएगा उसको जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई देगा। बड़ी स्टाइल मार के कह रही थी मैं क्लीनर बन के चलूंगी, और घर से निकलते वक्त ये भी नहीं देखा कि जैक है कि नहीं। गुरु गुरु उधर से लॉरी आ रही है, रोको। हाँ रोको। स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप। अरे शेरा साहब अच्छा हुआ आप मिल गए, अपना जरा जैक देना, टायर पंक्चर हो गया है। मैं देखता हूँ साहब। अबे ओए बैठ बैठ गाड़ी में साले। और क्या है कि आज मैं अपना जैक भी भूल गया हूँ, तुम कहो तो मैंने रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे यार सोचता क्या है, मेरा जिम्मा रहा ना। ए, 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 लड़की क्या करती है, फल चुरा रही, लाड़। चार फलों के लिए इतना क्यों मर रहा है, खाने देना भैया। खाने दे, कच्चे हैं, मुंह में खुजली हो जाएगी, लाड़ रहा। तू तो भैया कहने के भी लायक नहीं है, ले कंजूस मकीचूस। अरे शेरा साहब ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे फल नहीं कोई सोने की ईंट है, नहीं देना तो ले जाओ यार। अरे जा रहा है यार, एक तो फल चुराते हो ऊपर से रोप डालते हो, चलो। अरे जाओ यार, चल बे। पता नहीं कहां से चला गुरु, फल खाओगे? फल तो वो छीन के ले गया, तू क्या हवा से तोड़ के लाएगी? तुम्हें फल चाहिए क्या, सिर्फ इतना बोलो। अरे मगर है कहाँ? ये रहा। ये तू कहाँ से निकाली? जब वो तुमसे बात कर रहा था तो मैंने चुपके से एक मार दिया, लो खा लो। मुझे नहीं चाहिए। गुरु ये गुदा तो मीठा होना चाहिए मगर ये तो अजीब सा है। गुरु ये देखो ये कोई और चीज है। ये तो अफीम है। अरे बाप रे माँ। इसका मतलब ये लोग फलों में अफीम स्मगल करते हैं। तुम यही ठहरो, मैं पुलिस को बुला कर लाता हूँ। ठहरो, नहीं नहीं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओहो, आओ। अले मेला बेटा बेटा, अले तेरा नाक कितना गंदा हो गया। अले आइसक्रीम क्या, मैं तेरी आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल दूंगा बेटे। बाबू बाबू मेरे लिए गोला बन जाओ ना। अले मैं तेरे लिए गोला क्या, मैं तो गधा बन जाऊंगा बेटे। चल मेरे गोले तुक तुक तुक, चल मेरे गोले तुक तुक तुक, चल मेरे गोले तुक 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 तुक। अबे रो क्यों रहा है, तेरा बाप मर गया क्या? अरे मेरा बाप नहीं मरा लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा। वो क्या है कि मुझसे बच्चे पैदा नहीं होते ना, इसलिए मैं अपने बाप के मुंह से रोज गालियां सुनता हूँ, हथौड़े खाता हूँ, जूते खाता हूँ। भाई साहब आपके पास जहर है, मुझे थोड़ा जहर दे दो, मैं जहर खा के ट्रेन के नीचे लेट कर खुदकुशी कर लूंगा। अरे ये कौन सी स्टाइल की खुदकुशी है, पहले जहर खा लेगा फिर ट्रेन के नीचे लेट जाएगा। अगर रोना बंद कर रहा है सब भीसुरा रो रहा है जैसे कोई मिल का भोपू बज रहा हो। मुझे लगता है तेरी बीवी बच्चा जनने के लायक नहीं है। मगर दोस्त एक आइडिया है, अगर तू उस आइडिया का साथ दे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुझको बच्चा जरूर पैदा होगा। अबे क्या कर रहा है? आइडिया जल्दी बताओ। अरे वो ढाबे वाली चंदा को जानते हो ना? बस उसके पास पहुँच जाओ और वहाँ जाकर क्या करो, अगर तू मेरा कहना मान ले तो 6 महीने के अंदर अंदर तेरे दरवाजे पे लॉरी खड़ी होगी। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि सिकंदर लाल ठक्कर जो 500 लारियों का मालिक है उसका एक बेवकूफ बेटा माखन, उसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या? उसे एक बेटे की जरूरत है। तो मैं क्या करूँ? मैं उसको तेरे कमरे में भिजवा देता हूँ। हरामखोर बेईमान दलाल की औलाद, तुझे जीते जी कीड़े पड़े, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, एक तो वैसे ही महीने से पैर भारी है, मैं गर्भ से हूँ, ऊपर से तू गंदी गंदी बातें करता है। अरे गंदी, अरे चुप साला, तुझमें शादी करने की हिम्मत नहीं है तो किसी जानवर को लाके मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अरे सुन तो सही, दिमाग के कार्बोरेटर पर जोर दे, बुद्धि का इंजन जो फेल हो गया है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो माखन है ना माखन, इसकी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक गर्भवती नहीं हुआ। क्या? मेरा मतलब इसकी बीवी गर्भवती नहीं हुई। मैं उसके लिए घोड़ा सुलाऊ दारू लेकर आया हूँ। क्या सुला? घोड़ा सुलाऊ। अंदर आने से पहले मैं उसको इतनी पिला दूंगा कि कमरे में घुसते ही वो मरे हुए बैल की तरह औंधा गिर पड़ेगा। बस इंटरवल, फिर उसके बाद? उसके बाद, उसके बाद कुछ दिनों में तू उसको कहना कि तू गर्भवती हो गई है, घबरा कर वो तुझ पर एक लॉरी चला देगा, और मेरा मतलब एक लॉरी तेरे नाम लिख देगा। बस उसके बाद अपन दोनों शादी कर लेंगे।
अरे मान गई? अरे बड़ी मुश्किल से राजी किया है मालूम है? सच? हाँ? दारू किधर है? अरे ये रही, एक ही सांस में अपने पेट की टांकी में उड़ेल लो। फिर से पीजा शेर बच्चे। मेरे बच्चे को पैदा करने वाली कहाँ है? अरे इस माखन की चंदा, अरे तू कहाँ है रे? आजा मेरे चंदा, मेरी दुनिया में बहुत अंधेरा हो गया है, बच्चों का बल्ब जला के उजाला कर दे रे मेरे चंदा, मेरे चंदा। देखा, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। अब चांदनी और चिराग का होगा मिलाप, जल्दी कर वरना आइडिया ना हो जाए फिर। गुरु रात हो गई है, नींद भी आ रही है, सोएंगे कहाँ हम लोग? हम लोग? अब मेरा मतलब है कहाँ सोएंगे? तुम केबिन में सोगी और मैं उधर, चलो चलो चलो। बाप रे खाती पीती है। हम तुम ये जंगल में बंद हो और हाथी आ जाए। अरे बाप रे, नाम लेते ही आ गया। गुरु क्या है? हाथी चिंगार रहा है। तो चिंगारने देना, तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है? सुंड में उठाकर कहीं पटक दिया तो गुरु? अरे हाथी सियाना जानवर है, कोई फालतू चीजें नहीं उठाता, चल सो जा। गुरु गुरु मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे पास आकर सो जाऊं? ओहो क्या मुसीबत है, जा जाकर ऊपर करियर में सो जा। क्या गुरु लंबाई मुझे पूरी पड़ जाएगी? ओफ, अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकड़ कर सो जा, जा। जाती हूँ बाबा, इतना भड़कते क्यों हो? गुड नाइट गुरु। ला, ला, ला। ओ, क्या मुसीबत है, आप क्या हुआ? शेर धाड़े मार रहा है गुरु। तो धाड़े मारने देना, तेरे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है? गुरु छलांग मारकर ऊपर आ गया और मुझे पंजे मार मार के शेर फट के मुंह खा गया तो? नहीं 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 नहीं। अरे शेर को मालूम है कौन सा जानवर खाना चाहिए और कौन सा नहीं, तुझे खाकर शेर को अपना पेट खराब करना है क्या? चल जा सो जा। फिर भी रिस्क क्यों लेने का गुरु? नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ तौबा, कहां फंस गया? ठीक है चल नीचे आकर सो जा। कहाँ सो गुरु? तुम्हारी बगल में? बगल में? मेरा मतलब है कौन सी जगह? ए ज्यादा बकवास मत कर, इधर सो जा। तुम कितने अच्छे हो ना गुरु, बहुत ठंड लग रही है, जरा अपनी चादर में आने दो ना। ए, ए, ए। लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं कुछ चिपक कर सो जाऊं। आपको कैसे मालूम हुआ? अबे चुप, मैं आदमी हूं, कोई होटल का कमरा नहीं, देख नहीं रही कि डू नॉट डिस्टर्ब लगा हुआ है फिर भी घुसी जा रही है? आंखें मुंह बंद करके सो जा। अरे माँ ये भगवान बहुत ठंड लग रही है। ओहो, ओहो, ये ले चादर, अकेली ओढ़ कर सो जा। थैंक यू गुरु, इसकी क्या जरूरत थी, हमें तकलीफ उठानी। भगवान के लिए चुप हो जा। गुरु, गुरु बचाओ, बचाओ गुरु, छोड़ दो मुझे गुरु। अरे वाह वाह चमिया, छोड़ देता हूँ, पहले फल तो खिला दूँ तुझे। ए जादम लता, क्या तेरे लिए क्या है? अरे गुरु,
डॉक्टर साहब, यही है वो जो अफीम की स्मगलिंग करते हैं। बहुत दिनों से पुलिस को तुम लोगों की तलाश थी। चलो अब बताता हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर विश्वा। वेलकम। थैंक यू। ले जाओ इसे। लेकिन मैंने क्या किया? अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। कुछ खाने को दो ना। अच्छा, अकेले गुंडों से लड़ाई मैंने की और थक तुम गई हो और भूख भी तुम्हें ही लग रही है। हाँ तो तुम लड़ रहे थे और मैं देख रही थी। देखने में भी तो ताकत लगती है कि नहीं? जल्दी से फटाफट कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो भाई, यहाँ तो कुछ नहीं है, बचा तो सिर्फ मैं हूँ, मुझे खा लो। तुम्हें खा लो। जायका बुरा नहीं है। चल 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 सीधा चल चल। विडान कंपनी को जिम्मा भी कर दिया है, कोई संगम निकम से चोर आदमी है। हेलो, ये कौन सा टाइप है? हजार बार मना किया कि इस लाल फोन को हाथ मत लगाया कर। मार खाका के गाल लाल हो गए, मगर तुझे अकल नहीं आती है? क्यों, इसकी वजह क्या है? इस लाल फोन में से क्या लाल रंग की आवाज आ रही है? रंग नंबर ठक्कर, मैं शेरा बोल रहा हूँ, गोपी नगर के पुलिस स्टेशन से। मार के साथ साथ तभी पकड़ा गया, जमानत का बंदोबस्त करो। अच्छा अच्छा, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। राजन, एक काम कर, काले कर गोपी नगर जा, वहां पुलिस स्टेशन में शेरा पकड़ा गया है, उसको जमानत पे छुड़ा के ला, मगर एक बात का ख्याल रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शेरा पकड़ा गया। ओके डैड। लो भाई, मेरा काम हो गया। अच्छा तो गुरु, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लता लता, कहाँ चली गई? ए गुरु, आ जाओ। एक डूबे सजा है, दोनों डूबे मजा है, चैन आए दिल को डूबो चाहे जितना। वही 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 से बाहें मिल
मिल गई सांसों से सांसे खुशबू सी उड़ने लगी। जहाँ से आना मुश्किल जिंदगी अपनी ये दिल उस राह मुड़ने लगी। ओ मिल गई बाहों से बाहें मिल गई सांसों से सांसे खुशबू सी उड़ने लगी। जहाँ से आना मुश्किल जिंदगी अपनी ये दिल उस राह मुड़ने लगी। झूम झूम तगनगा झूम झूम तगनगा झूम 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 गुरु गुरु आ जाओ गुरु प्यार में डूब जाओ गुरु। क्या हुआ क्या हुआ? हाय मैं लुट गई बर्बाद हो गई मेरे जीवन की नैया में खड्डा हो गया। अरे सब कुछ लुट जाने के बाद रोने चिल्लाने से क्या फायदा? क्यों भाई क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो हुआ जो आज तक इस मोहल्ले में कभी नहीं हुआ। इसको एक छैल छबीले नौजवान से प्यार हो गया, इसका जिया बेकरार हो गया, बेकरारी में लिमिट तोड़ दी और मामला सरहद के पार हो गया और इसी कारण इसको 3 या 4 महीने का गर्भ हो गया। मैं जब इसको पूछता हूँ कि अरे कौन है वो, तो बजाय सीधा जवाब देने के उल्टी उल्टियाँ करती जा रही है। अरे चंदा बता दे वो कौन है? वो बहादुर इंसान मैं हूँ। जी आप छी, ऐसा काम कभी कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप सब लोग कहते थे कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं ये हूँ। ये साबित करने के लिए मैंने इसे गर्भवती बनाया। नहीं नहीं बाबूजी, आप इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इसकी मदद करने के लिए किसी और का इल्जाम अपने सर ले रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। ये बड़ापन नहीं है थू, बल्कि छोटा पन है। इसके पेट में पलने वाले छोटे से बच्चे का बाप मैं हूँ, मैं हूँ। अरे रे रे रे, कमाल है। ये बेचारे खुले शब्दों में कह रहे हैं कि तेरे होने वाले बच्चे के बाप यही हैं। फिर तू क्यों रोए जा रही है? वो इसलिए कि मैं तो इनकी दूसरी पत्नी बनकर रहने को भी तैयार हूँ, पर इनसे पूछो ये राजी है या नहीं। अरे इस छछुंदर के तेल से जलने वाले चिराग को बीच में क्यों डालती है? सीधा मेरी आंख से आंख मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर मुझसे पूछ, मैं तैयार हूँ। मैं तुझे दिल के झोपड़े में राजकुमारी बनाकर रखूंगा। चिंता मत कर माखन की चंदा, चिंता मत कर। अरे लक्ष्मी ये क्या, आज इतनी सारी तरकारी किसके लिए काट रही हो? आज मेरे भैया आ रहे हैं ना, और उन्हें ये तरकारी बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुझे अपने भैया से इतना प्यार है कि उनकी हर पसंद और नापसंद का तुझे पता रहता है? बिल्कुल, मेरे भैया जो हैं, वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, मालूम? अच्छा तो एक बात बताओ, जब हमारी शादी हो जाएगी और हम ये बस्ती छोड़ के चले जाएंगे तब उनका क्या होगा? क्या होगा? हम जहाँ जाएंगे भैया को साथ लेके जाएंगे, उनके बगैर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फर्ज करो अगर तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ आने के लिए राजी नहीं हुए तो मैं तुम्हारे साथ शादी का इरादा ही दिल से निकाल दूंगी। क्या गुरु, तुमसे तुम्हारी बहन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अरे बेटा विश्व प्रताप, अगर मेरा बेटा अरुण मुझे पहले बता देता तो मैं तुम्हारे घर सर के बल आता। इससे बड़ी मेरी खुशनसीबी और क्या हो सकती है कि तुम्हारी बहन लक्ष्मी मेरे घर में बहू बनकर आ रही है। तो मैं लगन का शुभ मुहूर्त निकलवाऊं? अरे बेटा शुभ काम में देर कैसी, कल ही मिलो पंडित सर। मैं पूछता हूँ शेरा, तुझे विश्वा से झगड़ा मोल लेने की जरूरत क्या थी? अरे यार मैं अपनी गाड़ी में खूबसूरत चिड़िया बैठा के ले जा रहा था। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? अरे चिड़िया का मतलब है खूबसूरत लड़की। कहाँ है? क्या है पलड़ा चल। अरे वो लड़की ले जा रहा था, तुझको क्या करना है, पीछा करने की क्या जरूरत थी? आइए आइए ईश्वर प्रसाद जी, फरमाइए। ठक्कर साहब, ये मैं अपनी बेटी की तस्वीरें लाया हूँ, ये जरा अपने ड्राइवरों और क्लीनरों को दिखाइए और उन्हें कहिए कि वो आते जाते रास्ते गांव शहरों में उसे तलाश करते रहें और नजर आते ही मुझे खबर कर दें। इतने लंबे चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? इसको सीधे से अखबार में छपवा देते हैं, एक दिन पूरे देश में खबर फैल जाएगी। नहीं नहीं ठक्कर साहब, अब तक जितनी बदनामी हो चुकी है, जितनी चोटें खा चुका हूं, उतनी मेरे लिए काफी है। अब अगर लोगों को पता चला कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है तो मैं समाज में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहूंगा। शेरा ए देख ये लड़की। अरे ठक्कर यही है वो चिड़िया। शेरा मेरी बेटी के लिए गलत शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अरे क्या बकवास करता है, इनकी बेटी है। इनकी बेटी? सेठ जी
मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन पार्टनर इसी लड़की को मैंने विश्वा के साथ देखा है। इसको? अब तक विश्वा घर आ चुका होगा? हाँ डैड, वो तो कब का आ चुका है। प्रीति, लता, ठहरिए, कहाँ घुस रहे हैं? पहले ये बताओ ये लड़की यहाँ कैसे और क्यों आई? क्यों, आप होते कौन है पूछने वाले? लता मेरी बेटी है इसलिए। और वो मेरी होने वाली बीवी है इसलिए। आगे तुम खुद समझ गए होगा कि मेरी होने वाली बहू है इसलिए। ये सब झूठ है, बकवास है। लता एक गरीब लड़की है, दौलत वालों के जुल्म और अत्याचार से तंग आकर अपनी इज्जत बचाकर भाग गई और मैंने उसे सहारा दिया है। शट अप, बात बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? तुझे पता नहीं था लता मेरी बेटी है? हर रोज हमारा माल ठक्कर साहब के ट्रक में ले जाता है और फिर भी तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और लता किसकी बेटी है? अरे साहब जानता है, यह बहुत बदमाश किस्म का कैरेक्टर ईश्वर प्रसाद, इसने बहुत गहरी चाल चली है। लता को अपने प्यार के चक्कर में फांस कर आपकी जायदाद गड़प करने के ख्वाब देख रहा है कमीना। ठक्कर साहब, विश्वा मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं है, एक अमीर बाप की बेटी का हाथ दौलत की लालच में नहीं थामा है, तो तुम इज्जत के साथ लता को अभी और इसी वक्त हमारे साथ रवाना कर दोगे। सुना तुमने, ये लोग क्या कह रहे हैं? आखिर अब तो बता दो सच क्या है। सच तो यही कि मैं गरीब नहीं हूँ, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ, मगर वो दौलत, उनके महल, उनके ऐशो आराम, उन सबको अपनी मर्जी से ठोकर मारकर आई हूँ। तो फिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोली? अगर मैं सच बता देती तो तुम मुझे उसी नरक में दोबारा भेज देते, जहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ? मुझ पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए हैं उनको गलत कैसे साबित करूँ? एक ही रास्ता है, तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझे वहाँ वापस भेजोगे तो जानते हो क्या होगा? मुझे एक नीच और जलील आदमी की बहू बनना पड़ेगा और एक स्मगलर की पत्नी बनकर अपनी मांग में पाप का सिंदूर लगाना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी मेरे लिए मौत से भी बदतर है। मैं अभी उन लोगों से कहती हूँ कि मैं अपनी दौलत और जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझे सहारा देकर मुझसे शादी करोगे? एक शरीफ लड़की मजबूरी और बेबसी में तुमसे पूछ रही है, क्या मुझे बर्बादी और तबाही से बचाने के लिए तुम्हें मर्दांगी नहीं है? पिताजी, ये किस टाइप का आदमी है? लड़की लाने गया था, लकड़ी लेके आ। लता आप लोगों के साथ नहीं जाएगी। क्या कहा, नहीं जाएगी? लगता है ये अंदर जाकर लता को डरा धमका कर आया है, इसीलिए बाहर आकर हमें भी आंखें दिखा रहा है। नहीं पिताजी, ये जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये मेरे दिल की आवाज है, मैं खुद उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती। लता बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अपने बाप के घर को, उसके अरमानों को ये इज्जत दे रही हो? और आप बाप होने के नाते अपनी बेटी के अरमानों का और उसकी जिंदगी का कौन सा ख्याल रख रहे हैं? इस तरह बाप का फर्ज निभाया जाता है? बोलिए सर, क्यों झुका लिया? ठक्कर साहब, अगर आप मुझे अपनी बहू बनाकर मेरी जायदाद हत्याने की आशा रखते हैं तो मेहरबानी करके मेरे पिताजी से ले लीजिए, मगर मुझे अपनी बहू बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। सुन लिया आप लोगों ने लता का जवाब? अब जिस रास्ते से आप लोग यहाँ आए थे उसी रास्ते से शराफत से वापस लौट जाइए। बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई है तुमने उसको, मगर हम ऐसी पट्टी पढ़ाने वालों को उन्हीं की पट्टियों में लपेट कर अस्पताल भिजवा दिया करते हैं। बच्चे, हम खाली हाथ जाने वालों में से नहीं है, इसलिए जिद मत कर, इसको सीधे से हमारे साथ भेज दे। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है, थोड़ी सी मर्दानगी है किसी में, तो इस लाठी की बनी हुई सीमा को पार करके आए और खुशी से लता को ले जाए। पिताजी, इसने तो अपना टाइप बदल दिया, अब क्या करें? जो आदमी एक टाइप का होता है उसको दूसरे टाइप से माना चाहिए, इसको अकलमंदी का टाइप कहते हैं। तो पिछड़ देखता रहे। ईश्वर प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हिफाजत के साथ घर किस तरह वापस लाना है वो तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे गंदे लोगों की मुंह लग कर हम अपनी जबान और अपने शब्दों का अपमान करना नहीं चाहते। चलिए चलिए। विश्वा से टकराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, वो आग है और तुम लोगों को सूखे तिंगे की तरह जलाकर खाक कर देगा। अरे शेरा भी कुछ कम नहीं है, उस आग को बुझा के उसका नामो निशान मिटा दूंगा। फजूल जिद मत करो यार, सुनो, विश्वा के बच्चे को मौत की नींद सुला दो और लता को उठा कर ले आओ। उसको
तो सोचकर आया था कहीं तुम अकेले में डर तो नहीं रही हो। मुझे कोई डर वर नहीं लगता, तुम जाओ। जाता हूँ। ये क्या, तुम तो और नजदीक आ रहे हो। अरे अब तो तुम्हारे भैया भी हमारी शादी को मान गए हैं। मान गए हैं तो? सोचा था एक छोटा सा बोसा मिल जाए तो। क्यों बुलाया मुझे? मुझे नींद नहीं आ रही थी गुरु। तो मैं क्या करूँ? सब बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के बस की बात नहीं, मगर मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। इलाज मेरे पास? हाँ, मतलब जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मेरी नानी मुझे कहानी सुनाया करती थी। जब उसे कहानी याद नहीं आती थी तो मुझे गाना गाकर सुनाया करती थी। गाना गाकर सुनाया करती थी। तो इस वक्त मैं आपको आपकी नानी लग रहा हूँ? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे तुम चाहो वैसे कर सकते हो। तो चलो घर पे। अरे गुरु गुरु, कहानी जो भी है यही सुना दो ना, घर जाने की क्या जरूरत है। वो क्या है, वो जो तोता मैना की कहानी की किताब है ना, वो घर पर पड़ी हुई है इसलिए। क्या हुआ? कांटे में पैर चुभ गया। क्या? नहीं नहीं नहीं, पैर में कांटा चुभ गया। दिखाओ जरा। में हो रहा है और कांटा इसमें देखो। लगा इस पैर में है, मगर सेफ्टी के लिए भी देखो ना। क्या हुआ? ये सेफ्टी की बच्ची है। भैया अरुण, अरुण ये खून, ये खून कैसे? अरुण वो लोग लक्ष्मी को उठा के लेंगे। भैया कौन? अरुण बोलो कौन? चक्कर के आदमी। अरुण अरे ये कौन है? ये किसे उठा रहे हो? ये तो विश्वा की बहन है। अरे मैं तो वहां पर। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसको, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। Yeah!
तुमने तलवार से दूसरा वार किया और बिल्ला को मार डाला है ना। बोलो विश्व प्रताप, यही हुआ था ना? वाह जलर साहब वाह, आपकी अकल की दाद देनी होगी। मैं तो समझता था मेरी कहानी सुनने के बाद आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी कि इतने अन्याय और इतने पाप के बाद कानून ने ठक्कर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया, मगर अफसोस। खोखले तरीकों से मुझे बेगुनाह साबित करने की कोशिश मत कीजिए जेलर साहब। अगर हो सके तो उस सिकंदर लाल ठक्कर और उस कुत्ते शेरा को मेरी बाजू वाली कोठरी में रख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कहानी क्या थी और अगली कहानी क्या होगी। कहाँ जा रही हो बेटी? कोर्ट जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती बेटी, समाज में तुम्हारे बाप की इज्जत है, नाम है, और अगर लोगों को पता चला कि तुम उस कातिल विश्वा को जानती हो, उसके घर रह चुकी हो, तो बरसों की बनाई हुई इज्जत, नाम, सब बदनामी की आग में जलकर खाक हो जाएगा बेटी। मैं ऐसे झूठे नाम और इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं करती जो किसी गरीब इंसान के लिए मौत का फंदा बन जाए। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ठीक है, अगर जाना ही है तो जाने से पहले एक काम करो, मुझे जहर ला के दो। लोगों के ताने सुनकर मरने से बेहतर है कि मैं अपनी बेटी का दिया हुआ जहर खा के मर जाऊं, समझी? कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर राम अवतार, क्या आपने मुल्जिम विश्व प्रताप को बिल्ला का खून करते हुए देखा? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं खुद इस अदालत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे वो सवाल पूछने की इजाजत है? आपको यहाँ सवाल पूछने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए बुलाया गया है। पूछने दीजिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? देवी जी, कानून की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करने वाली देवी, पहले मेरे साथ इंसाफ कीजिए। बिल्ला के कत्ल के ठीक आधा घंटा पहले मेरे जवान बेटे का किसी ने खून कर दिया, मेरे जवान बेटे का किसी ने खून कर दिया। मेरे बेटे का कत्ल किसने किया? कौन है उसका कातिल और क्यों उसका कत्ल हुआ? अगर इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जाए तो बिल्ला कैसे मरा और क्यों मरा, इन सवालों के जवाब भी अदालत के सामने खुद ब खुद खुल कर आ जाएंगे। मेरा जवान बेटा चिता की आग में जलकर राख हो गया, लेकिन मेरे बेटे की मौत का जिक्र तक किसी कानून की किताब में नहीं है। गवाह जिस कत्ल का जिक्र कर रहा है उस कत्ल के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई तहकीकात की? योर ऑनर, जिस वक्त बिल्ला का कत्ल हुआ उससे थोड़ी देर पहले मुलजिम विश्व प्रताप की छोटी बहन लक्ष्मी और गवाह का बेटा अरुण, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मुर्दा पाए गए। ये मौतें खुदकुशी थी या कत्ल, ये पता नहीं चल पाया। हो सकता है कि मुलजिम विश्व प्रताप को उन दोनों का प्यार, उन दोनों का मिलाप पसंद न रहा हो और इसने उन दोनों के प्यार में रुकावटें पैदा की हो, इसलिए मजबूर होकर उन प्यार करने वालों ने खुदकुशी कर ली। योर ऑनर, उनकी मौत के बाद किसी ने मुलजिम विश्व प्रताप को बहकाया कि बिल्ला ही उनकी मौत की वजह है, उनकी मौत का जिम्मेदार है और बिल्ला ही कातिल है। बगैर छानबीन किए हुए मुलजिम उसको सच समझ बैठा और गुस्से से पागल हो गया। इसने तलवार लेकर बिल्ला को पकड़ लिया और उसी तलवार से लहूलुहान करके उसका कत्ल कर दिया, उसे खत्म कर दिया। योर ऑनर, अगर ऐसे खतरनाक मुजरिम और कातिल के साथ कानून जरा से भी नरमी बरतेगा या आजाद छोड़ देगा तो इस समाज में शरीफों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। अब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ना तो कोई ढंग के गवाह पेश किए हैं ना कोई ठोस सबूत पेश किए हैं, फिर आप इसे किस बिना पर गुनेगार कह सकते हैं? सबूत है योर ऑनर, ये रही वो तस्वीर जो बिल्ला के कत्ल के वक्त खींची गई थी। और ये वो तलवार है योर ऑनर जिससे बिल्ला को कत्ल किया गया, फिंगरप्रिंट
एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस तलवार पर सिर्फ मुलजिम की उंगलियों के निशान है और ये वो रिपोर्ट हाजिर है आपके सामने योर ऑनर। योर ऑनर, ऐसे गुनाहगार और खून की होली खेलने वाले के लिए सिर्फ एक सजा है और वो है सजा है मौत, फांसी। मुलजिम विश्व प्रताप, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? जज साहिबा, अब तक बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना जा चुका है, मुझे अपने बचाव में कुछ नहीं कहना, सिर्फ आपका फैसला सुनना चाहता हूं। योर ऑनर, अगर ऐसे खतरनाक मुजरिम और कातिल के साथ कानून जरा से भी नरमी बरतेगा या आजाद छोड़ देगा तो इस समाज में शरीफों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे गुनाहगार और खून की होली खेलने वाले के लिए सिर्फ एक सजा है और वो है सजाए मौत, फांसी। पिछले महीने नवंबर की रात 1 तारीख को बिल्ला नाम के एक व्यक्ति का मुलजिम विश्व प्रताप ने कत्ल कर दिया। इस मंजर को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उस बुनियाद पर ये मुकदमा अदालत के सामने पेश किया गया था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के रिपोर्ट के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि मरने वाले ने जिस तलवार से अपनी जान गंवाई थी उस तलवार पर मुलजिम विश्व प्रताप के निशान थे, लेकिन इतने गवाहों की बयानात सुनने के बाद सिर्फ एक तलवार पर उंगलियों के निशान के बिना पर किसी को गुनहगार ठहराना कानूनन गलत होगा। प्रोसिक्यूटर ने इस अपील पर मुकदमा दायर किया कि कई लोगों ने विश्व प्रताप को कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा, मगर एक गवाह ने भी इस बात का अदालत के सामने इकरार नहीं किया, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पर अदालत इस मुकदमे को खारिज करती है और मुलजिम विश्व प्रताप को बाइज्जत बरी करती है।
उतारे तेरा मुझको बगावत पर, हो जाऊं न दीवाना पी के तेरा जहर, हुस्न उतारे तेरा मुझको बगावत पर, हो जाऊं न दीवाना पी के तेरा जहर, कस लूं डस लूं तुझको ऐ कातिल दिल पर। खत्म कर दिया मेरे दिल को, मेरे वजूद को। अब सिर्फ एक ही आस पास जिंदा हूं कि मुझे इन लोगों से बदला लेना है। कानून ने तुम्हें बेकसूर ठहरा कर फांसी के फंदे से बचा लिया, लेकिन सच क्या है वो सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है। एक जज की मेहरबानी और दया ने तुम्हें बचा लिया, और उसी दया और मेहरबानी का अपमान करना चाहते हो। एक नेक और शरीफ इंसान बनकर जीने के बजाय तुम अपने हाथों को लोगों के खून से रंगना चाहते हो। यह तुम्हारी गलत फहमी है लता, मैं किसी की दया और मेहरबानी की भीख पर जिंदा नहीं हूँ। अदालत में मेरा जुर्म साबित नहीं हो सका, इसलिए मुझे बाइज्जत बरी किया गया है। नहीं विश्वा, ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलतफहमी है। अगर वो सच न होता तो वो जज जिसने तुम्हें बाइज्जत बरी किया है उसने इस्तीफा क्यों दे दिया? तुम यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ, आपने मुझे गुनहगार क्यों नहीं ठहराया, बरी क्यों कर दिया? ये कोई सवाल थोड़ी हुआ, तुम बेकसूर थे इसीलिए बरी कर दी गए। That's all? ये झूठ है। अगर ये सच होता तो आपने अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि कानून से विद्रोह करने के एहसास ने आपको जज की पवित्र कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शारदा देवी, शराफत की खाल ओढ़े हुए बेईमान, इंसानियत का नकाब ओढ़े हुए शैतान, ये राक्षस जिन्होंने हद से बढ़कर जुल्म किए हैं, बेगुनाह के खून को पानी की तरह बहा है, इनके मुकाबले में तुम्हारा जुर्म तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। अगर ऐसे लोग कानून के शिकंजे से बचते रहे और कानून उनका कुछ न बिगड़ सका तो तुम्हारा बच जाना तो ऐसे है जैसे भरे हुए तालाब के मुकाबले में एक कतरा पानी। ये है ऐसे लोग। अब समझे मतलब क्या है? कानूनन जिस बिल्ला को उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बिल्ला आजादी की जिंदगी गुजर रहा था। तुमने उसका कत्ल कर दिया, जो सजा उसे अदालत ना दे सकी वो सजा उसे तुमने दे दी। मैं जानती थी कि ये कत्ल तुमने अपना जाती बदला लेने के लिए किया होगा, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि उसी बहाने एक गुनहगार को उसके पापों की सजा तो मिल गई। साथ साथ मैं ये भी जानती थी कि मैं जो गलती कर रही हूँ वो गलती एक दिन बोझ बनकर सारी दुनिया के सामने मेरा सर झुका देगी। फिर भी मेरे मन का फैसला ना बदला, मैंने आने वाली हर तकलीफ के लिए तैयार होकर तुम्हें रिहा कर दिया। और मेरे हाथों जो जुर्म हुआ उस जुर्म के जिम्मेदार भी यही लोग हैं। मैं जानती हूँ, मेरे जज की कुर्सी छोड़ने की खुशी में आज मेरे सम्मान में उन लोगों ने एक शानदार प्रोग्राम रखा है। कानूनन जिनके हाथों में हथकड़ियां होनी चाहिए थी आज वो हाथ मुझे फूलों के हार पहनाएंगे। चलो तुम भी चलकर वो तमाशा देख लो। आओ। Here comes the great lady, the symbol of justice, इंसाफ की देवी, कानून की मूर्ति, जस्टिस शारदा देवी। हम इनका स्वागत करते हैं तालियां। दोस्तों आज बड़ा ही मनहूस दिन है, वो इसलिए कि शारदा देवी जिन्हें जज की कुर्सी पर बैठकर कई साल तक बहुत अहम फैसले करने भी बाकी थे, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और कानून की दुनिया में एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी है जो कभी भरी नहीं जा सकती। खैर हम इनकी कोई सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपने फुर्सत के औकात में बैठकर अपने ही फैसलों को सुना करें, इसका हमने इंतजाम कर दिया है।
मैं ये टेप रिकॉर्डर का नाचीज तोहफा अपनी तरफ से इन्हें पेश करता हूं। इसमें इन्हीं का सुना हुआ एक फैसला इन्हीं की आवाज में रिकॉर्डेड है। मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि बड़ी शराफत और तमीज से इस फैसले को सुनिएगा। जरा बटन दबाना। कानूनन जिस बिल्ला को उम्र भर जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बिल्ला आजादी की जिंदगी गुजर रहा था। तुमने उसका कत्ल कर दिया। जो सजा उसे अदालत ना दे सकी, वो सजा उसे तुमने दे दी। मैं जानती थी कि ये कत्ल तुमने अपना जाती बदला लेने के लिए किया होगा। उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें बाइज्जत बड़ी कर दिया है, सिर्फ इसीलिए कि उसी बहाने एक गुनेगार को उसके पापों की सजा तो मिल गई। साथ साथ मैं ये भी जानती थी कि मैं जो गलती कर रही हूँ, वो गलती एक दिन बोझ बनकर सारी दुनिया के सामने मेरा सर झुका देगी। फिर भी मेरे मन का फैसला ना बदला। मैंने आने वाली हर तकलीफ के लिए तैयार होकर तुम्हें रिहा कर दिया। नए जज साहब, शारदा देवी की जगह उनका ओहदा संभालने वाले जस्टिस चक्रवर्ती साहब, इस बेजबान टेप रिकॉर्डर की आवाज सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि शारदा देवी ने वक्त से पहले इस्तीफा क्यों दिया। आपको यह भी पता चल गया होगा कि इन्होंने अदालत में ऐसा अनोखा फैसला क्यों सुनाया। इसलिए जरा आप बताइए कि जज की मुकद्दस कुर्सी का अपमान करने वाली यह शारदा देवी गुनहगार है या नहीं। फैसला आप सुनाइए, क्योंकि कानून के फैसले जज के होंठों से अच्छे लगते हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। अरेस्ट सर। मैडम ठहरिए। अगर मुझे रिया करना इनका गुनाह है, मुझे बरी करना इनका कसूर है, तो गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। तनाइया हथकड़ी। अभी नहीं, अभी तो कानून के साथ बदसलूकी करने वाली जज पर मुकदमा चलेगा। तुम्हारा नंबर अभी दूर है। चलिए मैडम। इससे क्या पूछती हो? इस चंदा की चांदनी का पति मैं हूँ। आजा मेरे पोपट, इस पेट के पिंजरे को तू तोड़ कर बाहर आजा मेरे। देखिए, आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। क्यों? इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इनकी जान को खतरा है। ओह माय गॉड, इसकी जान को खतरा है। ये भले ही मर जाए, लेकिन मेरे बच्चे को किसी भी हालत में बचा लो, नहीं तो मेरा खड़ूस बाप मुझे बहुत मारेगा, बहुत मारेगा। लाओ, लाओ, लाओ। कर दो, कर दो, कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो। ओ पोपट के बाप। हाँ जी। कागज पर भी दस्तखत कर दो। इसमें क्यों? अरे उस कागज पर इसलिए दस्तखत किए कि ऑपरेशन करना है, और इस कागज पर इसलिए कि चाहे बच्चे की माँ मर जाए, लेकिन बच्चा जरूर बचना चाहिए। हाँ, मुझे किसी भी हालत में बाप बनना है। जल्दी करो, जल्दी करो। पिताजी, पिताजी, आप दादाजी बनने वाले हैं। सच? अरे जियो मेरे लाल, तू तो ऐसे करा जैसे मुझे टाटा कंपनी का मालिक बना दिया। क्या बात है बाबूजी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुश? आज तो मैं खुशी के मारे फटा चला जा रहा हूँ। मगर तूने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझको नहीं सुनाई। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे मुझे सब मालूम है कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। नहीं बाबूजी, ऐसा सौभाग्य कहा जो मैं कभी माँ बन सकूं? ये खुशी के मारे उछल रहा, तू सर झुका रही है, ये चक्कर क्या है? चक्कर मैं समझाता हूँ पिताजी, आप दादाजी इस एड्रेस पे नहीं बनने वाले, आप दादाजी दूसरे एड्रेस पे बनने वाले हैं। दूसरे एड्रेस पर? ये दादा बनने के लिए दूसरे एड्रेस होते हैं, दूसरे किसने कहा बे? ये नया रिकॉर्ड मैंने कायम किया है, वो अपनी ढाबे वाली चंदा है ना चंदा, वो सरकारी अस्पताल में मेरे खूबसूरत बच्चे को जन्म दे रही है। चंदा, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? अबे खच्चर, नालायक, गधे, तूने मुझे बेन दुआरे के नीचे दबा के रख दिया। हाँ दबा, आप तो बैठे हैं। देखा बाबूजी, मेरे सुखी संसार में इन्होंने कांटे बिछा दिए, मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं बेटी नहीं, हमारा खानदान पहले फटका खा चुका है। तू एक काम कर, तू अंदर जा, मैं इसको संभाल दूं। मैडम, विश्व प्रताप आपसे मिलने आए। इंसाफ की मूर्ति आज जेल की सलाखों के पीछे कैदी की तरह जिंदगी गुजार रही है। ये मंजर तुमसे देखा नहीं जाएगा विश्वा, तुम जाओ यहाँ से। नहीं मैडम नहीं, आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा टुकड़े टुकड़े हो गई, आपका नाम, आपकी शोहरत मिट्टी में मिल गई, आपकी बेइज्जती हुई, जग हंसाई हुई, और ये सब मेरे कारण हुआ है। जब लोग आपका नाम लेकर हंसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हंसी में से एक सच झांक रहा है, और वो हंसी खंजर बनकर मेरे सीने को छेद कर निकल जाती है, और मुझसे सहा नहीं जाएगा। मैडम, मैं आज ही अदालत के नाम एक दरख्वास्त भेज रहा हूँ
कि मैंने आपको धमकाकर अपने हक में फैसला देने पर मजबूर किया है। आप निर्दोष हैं। मैं अपने कत्ल के इल्जाम को कबूल करके खुद को कानून के हवाले कर दूंगा मैडम। विश्वा, तुम्हें देखकर मुझे कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में अपने संबंधियों को मुकाबिल पाकर हथियार फेंक देने वाले अर्जुन की याद आ रही है। मैंने तुम्हें इसलिए बेकसूर ठहरा कर बड़ी नहीं किया था कि तुम बुज़दिलों की तरह घुटने टेक कर दोबारा कानून के आगे हार मान लोगे। मैंने इसलिए अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिया था कि तुम दुख से घबरा कर वक्त के आगे अपना सर झुका लोगे। रिहा होने के बाद मेरी हर सांस मेरे खून का एक एक कतरा पुकार पुकार कर कह रहा है कि विश्वा उठ, बदला ले, मिटा दे सालिमों की हस्ती, जलाकर राख कर दे शैतानों की लंका। और मेरा जमीर कह रहा है कि रुक जा, वरना तेरे बदले की आग एक पवित्र आत्मा की चिता बन जाएगी, एक देवी बलि चढ़ जाएगी। इसीलिए अपने जमीर की आवाज सुनकर मैं अपनी हार मानने के लिए मजबूर हो गया हूं मैडम। विश्वा, हार मानने पर मजबूर करने वाले तुम्हारे जमीर को मैं अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाती हूँ। उसे सुनकर तुम ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ोगे या कायरों की तरह हार मान लोगे, इसका फैसला तुम्हें करना है। ये उन दिनों की बात है जब मैं क्रिमिनल लॉयर की हैसियत से प्रैक्टिस करती थी। शारदा, आज एक अजीब किस्म के पोस्टमार्टम का केस मेरे पास आया। एक औरत जिसके दो बच्चे थे, एक शैतान ने उसकी इज्जत लूटी और बाद में उसे मार डाला। अभागन पहले ही विधवा थी, बेचारे बच्चे भी अनाथ हो गए उसके साथ। हाँ, ये खबर मैंने आज के अखबार में पढ़ी है। वकील साहब, नमस्ते। नमस्ते, फरमाइए। ये वो वकील साहब, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि सावित्री नाम की एक औरत की किसी ने इज्जत लूट ली और बाद में उसका खून कर दिया। हाँ हाँ, पढ़ी है। वो लड़की आपकी बहन थी? जी नहीं। तो क्या वो आपकी बेटी थी? नहीं। तो फिर आपका इस केस के साथ क्या संबंध है? ये अगर साफ लफ्जों में कहा जाए तो उस औरत की इज्जत मैंने लूटी थी। मेरा नाम सिकंदर लाल ठक्कर है, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे बचा लीजिए। आप इस शहर की सबसे बड़ी लॉयर हैं, आप जितना कहेंगे मैं पैसा देने को तैयार हूँ, बस मेरा केस अपने हाथ में ले लीजिए प्लीज। खामोश। एक स्त्री की इज्जत लूट कर उसके बच्चों को अनाथ बनाने के बाद दूसरी स्त्री के पास आए हो कि वो तुम्हारी जान बचा ले, तुम्हारा केस अपने हाथ में ले ले? हाउ डेयर यू। प्लीज प्लीज वकील साहब, प्लीज। मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। माफ कीजिएगा, अगर आप पैसे लेकर लोगों को बचाने का धंधा नहीं करती हैं तो फिर कानून पढ़कर फायदा क्या आपका? कानून गुनहगार को सजा देने के लिए होता है, उसे बचाने के लिए नहीं। अगर कानून का काम गुनहगार को बचाना नहीं है तो फिर मुल्ज़िम के बचाव के लिए वकील क्यों होता है? नो मोर आर्गुमेंट हियर। अगर तुम ये कहने के लिए आए हो कि मैं किसी का खून करके आया हूँ और पैसे आपकी जेब में डालकर वो खून आपके काले कोट से पोंछना चाहता हूँ, तो ये कानून का अपमान है और एडवोकेट शारदा ये कभी सहन नहीं कर सकती। इसलिए जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। जाता हूँ, बड़े आराम से जाता हूँ, और साथ में ये भी कह के जाता हूँ कि इस देश में वकीलों का काल नहीं है। पैसे फेंकूंगा तो तुमसे ज्यादा चालाक और अकलमंद वकील खरीदूंगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा। ठहरिए। अगर आप मुझे 2,00,000 रुपया दे सकते हैं तो मैं आपका ये केस अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। ओह यस, सिंगल पेमेंट, रेडी कैश। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर जी, आपने आज तक कोई पाप कोई जुर्म नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आज तक किसी अखबार में आपके बारे में कोई गलत खबर नहीं छपी है ना? अरे राम राम, अखबार में क्या, किसी दीवार में भी मेरा नाम आज तक नहीं लिखा गया। आपकी शादी हो गई? जी हाँ, दो बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे। अब देखिए ना, दो बच्चों के बाप पर एक विधवा की इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दिया, कितना जुल्म है, आप ही बताइए। मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर जी, बगैर आग के कभी धुआं नहीं उठता, ये कहावत तो आपने सुनी होगी? जी नहीं, अभी तक नहीं सुनी। स्वर्गीय सावित्री देवी को आप जानते थे? जी हाँ, उसका पति मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की हैसियत से काम करता था। वो ड्राइवर लॉरी के एक्सीडेंट में मारा गया ना? जी हाँ, वो पीता बहुत था। मैंने उसे कई मरतबा समझाया कि देख, तू बाल बच्चे वाला आदमी है, ये शराब खाना खराब है, बर्बाद कर देगी तुझको, पर नहीं माना। और एक दिन नशे में इतना धुत था कि बेंज गाड़ी के बैक टायर के नीचे आकर कुचल गया और वहीं फड़फड़ा के मर गया बेचारा। बहुत दुख हुआ मुझे। और उस ड्राइवर की पत्नी अपने पति की अचानक मौत से विधवा हो गई, उसके बच्चे यतीम हो गए, बच्चों का पेट पालने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसी हालत में वो एक दिन आपके घर आई, आपके पैरों पर गिरकर आपसे दया की भीख मांगने लगी। तब आपने उससे ये कहा कि वो एक रात अगर आपके साथ गुजारे तो आप उसकी झोली नोटों से भर देंगे, सही है ना?
आप मेरी वकालत कर रही हैं कि मेरे दुश्मनों की वकालत कर रही हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके दुश्मनों ने ये कहकर आपके ऊपर इल्जाम लगाया ना। हाँ, दुश्मनों ने यही इल्जाम लगाया उन्होंने मुझ पर। तो अब इस बात में सिर्फ इतनी सच्चाई है कि वो औरत रात के वक्त पैसे के लिए आपके घर आई और आपने बड़ी शराफत से उसे ये कहा कि रात के वक्त इस तरीके की बात नहीं करते, सुबह ऑफिस में आकर करना। बिल्कुल, ये यही काम है। ये समझा कर आपने उसे अपने घर से रवाना कर दिया। ठीक रात के 8:40 पर। घबराइए मत, मैं ये सब आपके भले के लिए पूछ रही हूँ, खुलकर जवाब दीजिए। दिया, उस वक्त रात के ठीक 8:40 हुए थे जब मैंने उसको घर से रवाना किया। गुड, दैट्स ऑल योर ऑनर। अब मैं सावित्री देवी की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर श्रीकांत को अदालत में बुलाए जाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर श्रीकांत, स्वर्गीय सावित्री देवी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आपको क्या पता चला? रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। क्या आप बता सकते हैं उनकी हत्या तकरीबन कितने बजे हुई होगी? यही कोई 8:40 के आसपास, उसी वक्त ये घटना हुई। थैंक यू डॉक्टर श्रीकांत, अब जा सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर श्रीकांत का बयान सुनने के बाद जरा गौर कीजिए। इस पापी ने सावित्री देवी को अपनी हवस का शिकार बनाया और वो राज दूसरे ड्राइवर पर जाहिर हो जाएगा और इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इस डर से इसने सावित्री देवी की हत्या कर दी। ऐसे नीच लोगों को बेकसूर साबित करने की कोशिश भी करना मेरा जमीर गवारा नहीं करता। ऐसे गिरे हुए इंसान का केस लड़ना कानूनी तालीम का अपमान करने के बराबर है। इसलिए मैं इस केस से अपना नाम वापस लेती हूँ और मैंने जो अदालत का कीमती वक्त जाया किया है उसके लिए माफी चाहती हूँ और अदालत से ये दरखास्त करती हूँ कि एक विधवा और गरीब औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी इज्जत लूटकर उसकी हत्या करने वाले इस गुनेगार को। मैंने सिर्फ उसकी इज्जत लूटी है, मैंने उसकी जान ले ली। सावित्री देवी ने अपनी इज्जत की राह रखने के लिए अपने हाथ से खंजर अपने सीने में भोंक लिया, खुद आत्महत्या कर ली। मैंने जान ली, उसने खुद मार डाला अपने आपको। मैंने जान नहीं ली उसकी। वकील साहिबा, मुझे धोखा देकर मेरे पैसे लेकर। तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है। अपनी हवस के शैतान पर तुमने जिस सावित्री देवी को बलि चढ़ा दिया, मैंने तुम्हारे सारे पैसे उनके बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिए। दुनिया की किसी भी अदालत में तुम्हारा मुकदमा पेश होता वो तुम्हें सजा देती, लेकिन कोई भी अदालत सावित्री देवी के अनाथ बच्चों की परवरिश नहीं करती। हो सकता है कल वो हालत से मजबूर होकर चोर बन जाएं, गुमराह हो जाएं। इसलिए कल समाज में दो चोर दो मुजरिम और ना पैदा हो, मैंने आज ही तुम्हारे पैसे से उन्हें गुमराही के रास्ते से रोक लिया, उनके भविष्य को बचा लिया। और अब अपने भविष्य की चिंता कीजिए वकील साहबा, मुझे हथकड़ियां लगवा कर जेल के काल कोठरी में पहुंचाकर अपना सर फख्र से ऊंचा मत कीजिएगा। मैं वापिस तो जरूर आऊंगा, सिर्फ मेरे वापिस आने का इंतजार कीजिएगा, फिर देखना तमाशा। चला। मैंने सोचा 3 साल की कड़ी सजा के बाद ठक्कर अपने किए पर पछताएगा, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करके सीधे रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल की कड़ी सजा ने उस गुनाहगर के जहर को और भी कड़ा कर दिया। एक दिन वो जेल से खतरनाक जहरीले सांप की तरह निकला, बदले की आग मन में लेकर मेरे घर आया। वो दिवाली की रात थी। अरे वाह, ये क्या? ये इंसाफ की मूर्ति है। इस इंसाफ की देवी ने जिसने मेरे बेटे को जन्म दिया है, उसे आज दिवाली के मौके पर इंसाफ की देवी का लॉकेट तोहफे में देना, ताकि बड़ा होकर वो भी अपनी माँ की तरह सच्चाई के रास्ते पर चले, इंसाफ का साथ दे और जुल्म के सामने कभी अपना सर न झुकाए। इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सिकंदर लाल ठक्कर जेल से वापस आ गया है। अब न ये सर उठाने के काबिल रहेगा और न सर झुकाने के काबिल रहेगा, क्योंकि आज के बाद इसका सर ही नहीं रहेगा। छीन लो इस बच्चे को। Yeah!
वकील साहबा, घड़ी देख लीजिए, उस रात की तरह इस वक्त भी 8:40 हुए हैं। अगर इस बार तुम मुझे जेल भिजवा कर दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। चलो। और इस तरह कानून और समाज से वफादारी करते हुए मैंने अपना पति खो दिया। अपना 1 साल का बेटा गवा बैठी, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। और फिर औलाद की जगह अपनी गोद में कानून और इंसाफ की परवरिश करने लगी। मन में उठी औलाद की याद को लोरिया सुना सुना कर सुलाती रही, अकेले में अन्याय और जुल्म पर हंसू बहाती रही। एक वकील होते हुए, कानून की रक्षक होते हुए भी मैं उस राक्षस सिकंदर लाल ठक्कर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उसे कोई भी सजा नहीं दिलवा सकी। तुम, हाँ विश्वा, तुम अगर तुमसे हो सके तो उन दरिंदों को सबूत और गवाहों के साथ अदालत में घसीट कर लाना और उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर दिला। और अगर सबूत ना भी मिले तो भी मैं मासूमों की जिंदगी को ठोकर मरने वाले उस ठक्कर को नहीं छोड़ूंगा। जा सहीबा, आपकी आंखों से आंसुओं के सैलाब बहाने वाले और मेरी आंखों में नश्तर की तरह चुपने वाले उस सिकंदर लाल ठक्कर से कहूंगा कि जिंदगी की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी गुनेगार जिंदगी के दिए में पाप का तेल खत्म हो चुका है। विश्वा, ये लॉकेट तेरे बचपन की निशानी है, इसे संभाल कर रखना बेटा। मेरा समय पूरा हो चुका, सुन, आज से 10 बरस पहले की बात है। बेटे, तुझे दिवाली का तोहफा समझकर मैंने अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ तेरी परवरिश की। अब अपनी बेटी लक्ष्मी को तुझे सौंप कर जा रहा हूं। अब तू ही इसका सब कुछ है, इसका ध्यान रखना। विश्वा, इस केस की कार्रवाई पूरी होने तक श्रीमती शारदा देवी किसी भी हालत में इस शहर की सरहद के बाहर नहीं जा सकती। इसी कंडीशन की बुनियाद पर श्रीमती शारदा देवी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। लॉकेट तो मेरे मुन्ना का है, मेरे बच्चे का है। कौन लाया इसे, किसने रखा इसे? मां के प्यार को जो पा ना सका उस बेटे ने रखा है। मां की ममता को जो तरसता रहा उस बेटे ने रखा है। गरीबी और मुफलिसी की आग में जल जल कर अपने आप बड़े होने वाले गुमनाम बेटे ने रखा है। इसका मतलब तुम? अगर वो बदनसीब औरत तुम हो जो अपनी कोख से पैदा होने वाले बेटे को लोरी का करसुला ना सकी, तो इतने बरसों तक मां के प्यार और उसकी ममता के लिए तड़प तड़प कर जिंदा रहने वाला वो बदकिस्मत बेटा मैं हूं। एक नन्ही सी जान की परवाह ना करते हुए उन राक्षसों ने उसकी जान लेनी चाहिए, लेकिन भगवान की यह मर्जी नहीं थी, इसलिए वो बच्चा जिंदा रहा।
जिसे एक नेक दिल इंसान ने अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया मां, इतना बड़ा कर दिया। हाँ बेटा। मां मेरा मुन्ना। बेटे मैंने आज तक जिस न्याय देवता पर भरोसा किया था, जिस धर्म देवता पर विश्वास किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे एक दिन मेरा बेटा वापस दे देगा। मैं आज तक बिना किसी ख्वाहिश के एक लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन आज आज तुझे पाकर मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। नई जिंदगी तुम्हें नहीं मां, मुझे मिली है। आज तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, उन कातिलों से अपने पिताजी के खून का बदला लेकर रहूंगा, अपनी मां के दुख और तड़प का हिसाब चुकाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे मां कि मैं कानून की आंखों से पट्टी हटाकर उसे असली मुजरिमों की शक्ल दिखाऊं, तमाम अत्याचारों और ना इंसाफियों का हिसाब चुकाऊं। मुझे आशीर्वाद दे मां, मुझे आशीर्वाद दे। इस हाथ की रेखा तो बताती है क्या त्रिकोण पर बलि हो जाएंगे। पिताजी ये त्रिकोण क्या होता है? मेरा सर यार जोशी महाराज, तुम ठीक से देखो ना यार। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, आप हमारे हस्त ज्ञान पर शक कर रहे हैं? अरे काय का ज्ञान, कुछ आता जाता है नहीं, झूठ मूठ की शेंडी खड़ी करके अपने आप को ज्योतिषी समझते हो। मुझे नहीं दिखाना अपना हाथ, छोड़ा मेरा हाथ। लाल फोन मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। पिताजी पिताजी लाल वाला फोन आपका फोन। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर नहीं, ये वक्त की आवाज है। कौन कौन बोला है? तेरा दुश्मन विश्व प्रताप। विश्व, मगर तुम्हें इस फोन का नंबर मिला कहां से? फोन नंबर? अरे तू कब मरने वाला है ये तक मुझे मालूम है, तो फोन नंबर मालूम करना कौन सी बड़ी बात है। चड़ा, बेहुदा बकवास बंद करो। बेहुदा हरकतें इस वक्त तू कर रहा है ठक्कर। सुन, कुंडलियों पर विश्वास मत कर, इस वक्त तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। मैं अगर मुट्ठी खोल दूं तो तू भस्म होकर मिट्टी बन जाएगा। सावधान रहना, मैं सीधे तेरे ऑफिस में आ रहा हूं। हरामखोर, तूने मुझे फोन उठाने के लिए कहा क्यों? अजीब मुसीबत है, फोन उठाओ तो थप्पड़, नहीं उठाओ तो थप्पड़। ये किस टाइप का बाप है? इस टाइप का बाप तो मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा। मैं नहीं चाहता। नहीं सुन, आज के बाद ये लाल फोन मैं नहीं, सिर्फ तू उठाना, और अगर कोई दूसरा उठाए तो वो कस के थप्पड़ मारना कि उसका मुंह टेलीफोन की तरह लाल हो जाए, समझ गया? शेरा सेठ, मेरी गाड़ी से नीचे उतरो। क्यों भाई, इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ, तुम कौन हो तो मुझे नीचे उतारने वाले? तुम्हारा बाप। क्या कहा? ओ किधर? ए विश्वा। विश्वा नहीं, विश्व प्रताप। ओके विश्वा प्रताप, क्या जबरदस्ती है? तुमको मालूम नहीं तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? किसने निकाला नौकरी से? हमने। क्यों? क्योंकि तुम्हें कातिल हो, और कातिल हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। अदालत के फैसले ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि मैं कातिल नहीं हूँ। मैं किसी अदालत के कानून को नहीं मानता हूँ, मेरी नजर में तुम कातिल हो, और कातिल हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकता है, बस। तुम कौन हो तो मुझे नौकरी से निकालने वाले? हा? अच्छा मैं कौन होता हूँ? ये सब मेरी मिल्कियत है मिस्टर। बिल्कुल गलत। जिस तरह जमीन जोतने वाले किसान की मिल्कियत जमीन होती है, रिक्शा चलाने वाले की मिल्कियत रिक्शा होती है, उसी तरह सड़कों पर दौड़ाने वाले की गाड़ी उसी की मिल्कियत होती है। पिताजी ये किस टाइप का आदमी है? इसके टाइप से तो लगता है ये मेरी शादी कभी नहीं होने देगा, क्योंकि औरत जात की आदत है, वो जिसे पसंद करती है उसी के साथ शादी करती है। ये विश्वा का बच्चा लता के साथ मेरी शादी कभी नहीं होने देगा, उस साले जोशी ने भी यही कहा था। बकता है जोशी, मेरा नाम सिकंदर लाल ठक्कर है, मैं अपनी ठोकर से तकदीर के फैसले बदल दिया करता हूँ। चल अभी और इसी वक्त लता को तेरी दुल्हन बनाता हूँ, चल। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ मेरा हाथ। अरे पंडित। ए विश्वा। ए विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहो। मैं न किसी विश्वा को जानता हूँ और न प्रताप को जानता हूँ, चले जाओ यहाँ से। वरना क्या कर लोगे? हाँ जिस सीधी तरह से मुझे जाने को कह रहे हो उसी सीधी तरह से लता को छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? ये कोई लॉरी नहीं है जिसके मन में आया वो लेकर चला गया।
यह एक इज्जतदार घराने की शादी का सवाल है। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस बंदर के साथ हरगिज़ हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। सुन लिया, किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कराना शादी के पवित्र बंधन का मजाक है, और ये मजाक मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी। जाइए अपने अपने घर जाइए। शादी होगी, शादी के बाद खाना भी होगा। सिकंदर के नाम को बदनाम करने वाले सिकंदर लाल ठक्कर, अगर जबरदस्ती की तो यहाँ खाने की प्लेटों की जगह तुम लोगों की खोपड़ियां बिखरी हुई नजर आएंगी। अरे अरे ठहरो, अरे खाने वाला खाने जाओ भाई। अरे पार्टनर, अब इंतजार किस बात का है? शादी की अग्नि में इसकी चिता जला डालो। इसे तो मैं ऐसे ही कच्चा चबा जाऊंगा। अरे यहां गारक कहे नरक। शादी रखी थी, इस हराम खोर विश्वा को पता कैसे चल गया? पिताजी, पिताजी पता है विश्वा को कौन लेकर आया? कौन? मैं लेकर आया। खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकता, दूसरों की भी शादी न होने देने की कसम खाई तूने? Thank you.
बाहों में तेरे सिमटने लग बेताब मेरे यार माँ कब से सीने से तेरे लिपटने को बेचैनी जिस्मों जा कब से सके जो शबाब तेरा शाहकार तू भी बेकरार मैं भी बेकरार तुझे छूना चाहे सांसों के तार होता नहीं हमसे और इंतजार तू भी बेकरार मैं भी बेकरार जाना चाहते हो मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता बल्कि अपने फर्ज के करीब जाना चाहता हूं और वो फर्ज जो मेरी जान भी ले सकता है जब तक मैं शारदा देवी का कर्ज अपने सर से उतार नहीं लेता जब तक मैं उन दर्दों से बदला नहीं ले लेता उस वक्त तक तुम मुझे भूल जाओ यही वक्त की आवाज है शारदा देवी कौन हो तुम क्या बात है हो तो आप ही हैं जस्टिस शारदा देवी जिन्होंने जज के पवित्र गद्दे पर बैठकर इंसाफ से बेइंसाफियां की हैं जस्टिस के पवित्र औहदे को कलंक लगाया है खुद के इंतकाम के लिए अपना जाति बदला लेने के लिए एक आदमी को इंसान से राक्षस बनाने वाले खुदगर्ज औरत आप ही हैं बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर औरत जात के नाम को उसकी पवित्रता को बदनाम करने वाली उस शारदा देवी का चेहरा कैसा होगा एक बार देखना चाहती थी देख लिया नमस्ते ठहरो तुम यहां आई मुझ पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया और ऐसे ही चली जाओगी मेरा जवाब नहीं सुनोगी क्या सुनो
आपने जो ना इंसाफियां की हैं, उसके लिए लाख सफाइयां पेश कीजिए, फिर भी उस ना इंसाफियों में से इंसाफ की खुशबू कभी नहीं आ सकती। इसलिए मैं जा रही हूँ। इंसाफ करने वाली जस्टिस झूठी हो सकती है, मगर इंसाफ कभी झूठा नहीं हो सकता। जो झूठा होता है वो अन्याय होता है, और न्याय हमेशा सच्चा होता है। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर क्यों जा रही हो? आपका जमीर जिंदा है? वो तुम्हारी बातें सुनना चाहता है। हाँ, तो फिर सुनिए और मेरी बातों का जवाब दीजिए। विश्वा को आपने गुमराह क्यों किया? अपना जाति बदला लेने के लिए? उस जले हुए इंसान के दिल में नफरत की आग भड़काकर उसे सही रास्ते से क्यों भटका दिया? क्या इंसाफ की किताबों ने आपको यही सबक सिखाया है? जज की कुर्सी पर बैठकर आपने यही तजुर्बा हासिल किया है? यही आदर्श आपके, जवाब दीजिए। गुस्से के मारे तुम्हारे होठों से शब्दों के साथ साथ चिंगारियां निकल रही हैं। मैं पूछ सकती हूँ उसके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? अगर रिश्तों के मुताबिक आपका जवाब होगा तो सुन लीजिए, विश्वा मेरा होने वाला पति है। ओह, देखो, अगर भगवत गीता किसी बच्चे के हाथ में दी जाए तो उसे ये कहकर रख देगा कि उसमें कोई तस्वीर नहीं है, और अगर वही गीता किसी समझदार इंसान के हाथों में दी जाए तो उसे एक पवित्र गंध समझकर अपनी आंखों से लगा लेगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे हाथों में अगर गीता दी जाए तो तुम क्या करोगी? बोलो, उसमें बताए हुए उसूलों को समझोगी ना? धर्म की बारीकियों को तलाश करने की कोशिश करोगी ना? और अगर नहीं करोगी तो औरत जात के नाम को कलंकित करने वाली इस औरत के दिल की गहराइयों में झांक कर देखो, मैं क्या कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, इसका जवाब तुम्हें खुद बाखुद मिल जाएगा। कोई फायदा नहीं आपके दिल की गहराइयों में झांकने से, वहां सिर्फ नफरत ही मिलेगी, बदले की भावना नजर आएगी, मगर मेरे दिल की गहराइयों में प्यार भरा हुआ है जस्टिस शारदा देवी। आपके दिल के बदले की भावना ने मेरे विश्वा को गुमराह करके उसके कदम इंतकाम की तरफ बढ़ा दिए हैं। अब मैं अपने दिल के प्यार से उन कदमों को वापस अपनी दुनिया की तरफ लेकर आऊंगी, और ये साबित करके दिखाऊंगी जज साहिबा कि मोहब्बत और बदले की जंग में बदला हार जाता है और मोहब्बत की जीत होती है। यही साबित करके दिखाऊंगी। विश्वा, ओ विश्वा, जाए, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, मैं टॉवल आना भूल गई, जरा टॉवल देना प्लीज। इस लड़की को घर में लाकर मैं खुद मुसीबत में फंस गया। ये लो। थैंक यू। पिताजी, पिताजी, मैं आ गया, मैं आया, आपका पोता लाया, मुबारक हो आपका पोता। कैसा पोता रे? पिताजी, अरे मैंने तुझे इससे पीछा छोड़ाने के लिए कहा था, तू उसको फिर लेकर आ गया। पिताजी, मैं इसको उठा के थोड़ा लाओ, ये खुद मेरे साथ चलकर आई है। देख मैं तुझे, अरे क्या कर रहा है? देखो कितना पाला पाला बच्चा है, इसकी शक्ल आपकी शक्ल से कितनी मिलती है, आपकी नाक तोते जैसी लंबी है ना, इसकी नाक भी तोते जैसी लंबी है, बिल्कुल आपके जैसी। देखिए ना, इसकी आंखें भी बिल्कुल आप ही के जैसी है पिताजी। हाथ पैर भी आपके जैसे, इसके कूले पर एक तिल है, आपके भी होगा, खोले खोले। हाँ मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, मेरे भी है। किसी भिखारी के पिल्ले जाकर मेरी शक्ल मिलाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त नहीं होता तो चुप हो जाइए। मेरा मतलब है, आपका पुत्र पहली बार इस घर में आया है, इसके हाथ में कुछ तो थमा दीजिए। अरे क्या दिखा दो, क्या करता है? कुछ तो थमाना ही पड़ेगा, थमाइए ना, थमाइए ना। अरे वो दो उसके हाथ में रख दे। बिस्कुट का पैकेट, वो भी आपकी कंपनी का नकली, हाथ मुझे नहीं चाहिए। कम से कम एक लारी दे दीजिए। मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या चाहिए अम्मा? कम से कम एक बेंज लॉरी दे दीजिए ससुर जी। लॉरी चाहिए? एक ही बेंज। अच्छा, लॉरी का फोटो नहीं मिलने वाला? बहुत बहुत हुआ तो एक प्लास्टिक की बोतल मिलेगी कांजी पिलाने के लिए, और साथ में मिलेगा सड़ा हुआ खाने के लिए। आपने मुझसे कहा था कि तू पोता पैदा कर, वो पोता 1000 लॉरियों से ज्यादा कीमती होगा। मैंने 1000 लॉरियों से ज्यादा कीमती पोता पैदा किया, आप एक लॉरी देने में कंजूसी कर रहे हैं। देखिए औलाद, मैंने तुझे पोता इस घर में पैदा करने को कहा था, किसी झोपड़पट्टी में नहीं। बाबूजी, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं घासले डालकर खुद को आग लगा दूंगी। अरे ना बेटी, तू क्यों घासले डालेगी अपने आप पर? वही घासले जिस पर डालकर आग लगा देना,
दोनों को जलाने के लिए माचिस मैं देता हूँ। नहीं डैडी, बड़ा मर जाएगा। मैं क्यों मरूं? तू मत, तेरा बाप है। भाई ये भाई, ये जलने जलाने का प्रोग्राम बाद में करना, ये तुम्हारा घरेलू मामला है। मेरे पास इसके हाथ का लिखा हुआ एक कागज है जिसमें इसने लिखा है कि जब इसके बच्चा होगा तो ये उसको एक लॉरी देगा। और इसके दस्तखत भी है इस पर, देखिए देखिए। लॉरी निकालो, लॉरी निकालो। हरामखोर, बर्बादी के कीड़े, खानदान के दीमक, अबे तूने इसके नाम पे पूरी लॉरी लिख दी। आधी लॉरी कैसे लिख सकता हूँ, पूरी लॉरी लिखनी है ना, आपका तो दिमाग ही नहीं है। मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं है। तो क्या फिर ले जाओ लॉरी। हाँ ले जाओ, मेरी तो तकदीर खराब है। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे दूध में आधी मिलावट आई, तीन हिस्सा नकली, एक हिस्सा सही। सड़क का पता लगा तुम। शेरा ये क्या हो रहा है? सेठ दूध में मिलावट। अरे बच्चों के पीने का दूध है। मालूम है, मालूम है। सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अरे मर जाएंगे और क्या होगा। तुम लोग इंसान हो के जानवर हो? बिल्कुल इंसान है, अपना और देश का भला सोचने वाले इंसान। इस दूध को पीकर बच्चे मर जाएंगे, देश की आबादी कम हो जाएगी और हमारा देश उन्नति के रास्ते पर निकल जाएगा। इस तरह हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। एक दूध के तीर से दो शिकार। आज तक तुमने इतने जुल्म किए मैं सहता रहा, मगर अब तुम मेरी फैक्ट्री में बनाए हुए दूध में मिलावट करके मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप तो तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारी स्मगलिंग की दुनिया से बाहर हो, मगर मैंने तुम्हारा नाम स्मगलिंग की दुनिया में इतनी दूर तक पहुंचा दिया है कि अगर तुमने मुंह खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी मुद्दत के लिए जेल भिजवा दूंगा कि जेल का दरवाजा तुम पर जिंदगी भर नहीं खुलेगा। अबे ओ! कौन है जिसने सड़क के बीच ये लॉरी खड़ी कर दी? मैंने। विश्वा? विश्वा नहीं, विश्व प्रताप कहो, और सीधी तरह से लॉरी आप पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो। अच्छा तो ये बात है। अबे देख, अगर तूने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं तेरा सर कुचल डालूंगा। अबे क्यों मेरे हाथों कुत्ते की मौत मरना चाहता है? आखिरी बार कह रहा हूँ, सीधी तरह लॉरिया पुलिस स्टेशन ले चल। अबे लॉरिया वापिस कैसे जाएंगे? इससे पहले शेरा तुझे कच्चा खा जाएगा। और बड़ा इसका कीमा।
तुमने क्या गजब कर डाला? ठक्कर से बदला लेने की खातिर तुमने गरीब और मासूम बच्चों के पीने वाले दूध को बर्बाद कर दिया। दूध को बर्बाद करने से गरीब और मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। उस दूध में एक खतरनाक जहर की मिलावट थी जो तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री से आया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। शारदा देवी ने तुम्हारी जान बख्शकर तुम पर एहसान किया है और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए तुम्हारे दिल और दिमाग में बदले का जहर भर दिया उस नागिन ने। विश्वा, शारदा देवी के लिए नागिन का लफ्ज फिर से इस्तेमाल किया तो इन लौड़ियों के साथ तुम्हें भी खाई में फेंक दूंगा। विश्वा, एक औरत को नागिन कहकर औरत साथ का अपमान मत करो। औरत माँ होती है, माँ आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल देती है, माँ नफरत नहीं प्यार सिखाती है, वो जुल्म और अत्याचार नहीं अमन और शांति का पैगाम देती है। माँ नाम है बलिदान का, कुर्बानी का, और उसकी जीती जागती तस्वीर है शारदा देवी, जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है, वो मेरी जननी है, मेरी माँ है। माँ, हरामखोर, तूने अपने बाप को थप्पड़ मारा? पिताजी, मैंने तो आप ही की आज्ञा का पालन किया। आपने खुद ही कहा था जो कोई भी लाल फोन उठाए थप्पड़ मार मार के उसका गाल लाल कर देना। आपका हुआ कि नहीं? मेरी आज्ञा के पालन का मतलब तू मुझको थप्पड़ मारेगा? अच्छी बदसूर, अभी बता दूं उसको। रॉन्ग नंबर। मैं शेरा बोल रहा हूँ, उस विश्वा के बच्चे ने हमारी 10 की 10 लारियों को दूध के डब्बों समेत टक्कर मारकर पहाड़ी के नीचे ढकेल दिया। उसने हमारी 10 की 10 लारी को टक्कर मार के नीचे ढकेल दिया? हाँ, पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दूं? नहीं नहीं, कंप्लेंट मत लिखाना। तुम एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ। आप लोगों का ये मिशन है तो बहुत खतरनाक, लेकिन इस काम को हिंदुस्तान में सिर्फ ठक्कर ही कर सकता है। ठक्कर की टक्कर में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वेल मिस्टर ठक्कर, माना कि आप बहुत होशियार है, मगर ये डायनामाइट, मशीन गन, LMG, हैंड बम्स वगैरह वगैरह, ये सब कैसे जाएगा? जाएगा मिस्टर रेड ब्लड, 100% जाएगा। यस, मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी की 100 लारियां अनाज के नीचे स्मगलिंग का सामान ऐसे छुपा के ले जाती हैं जैसे औरतें मेकअप के नीचे बुढ़ापे की झुर्रियां छुपा के ले जाती हैं। मगर सुना है कि इंडिया का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत चालाक है, अगर कभी कोई लारी पकड़ा गया तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं मिस्टर स्मॉल, और अगर इत्तेफाक से हो भी गया हमारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तमाम लॉरियां बेनामी हैं। What is बेनामी? बेनामी means वो तमाम लॉरियां जो हैं वो हमारे नाम पर नहीं है, हमारे ड्राइवरों और क्लीनरों के नाम पर है, और अगर इत्तेफाक से वो लॉरियां हथियारों के साथ पकड़ी जाती हैं तो वो लोग भन जाएंगे, हमारे नाम पर कानून की खराश तक नहीं आएगी। Excellent. Very smart. Very smart, Mr. Thakkar. Well, this is advance. Yeah. Thank you. Mr. Thakkar, जी, हथियार पहुंचने के बाद में आपको इस तरह के 100 बैग और पहुंचा दिए जाएंगे, ओके? सिकंदर लाल ठक्कर का खेल खत्म करने का एक ही रास्ता है, उसकी बेनामी लॉरियों की फाइल, और उस फाइल को हासिल करने के लिए हमें उसके क्लब में जाना होगा। चाहिए कितनी बार? 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस बस, अरे बस, 1, 2, 3, 4 प्यार चाहिए कितनी बार? 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस बस, अरे बस। कबूतर बा कबूतर बास बबास, करते हैं हम जुबा सात पर वास। कबूतर बा कबूतर बास बबास, करते हैं हम जुबा सात परवास। तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी। 1, 2, 3, 4 प्यार चाहिए कितनी बार? 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस बस, अरे बस 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 बस।
लगा दो इसे प्यालों में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चाहे छुपा लो तिजोरी तालों में, चाहे डुबा दो इसे प्यालों में, पीछा करेगी ये दिल की आवाज, कबूतर बास कबूतर बास कबूतर बास बबास, करते हैं हम जुबान साथ परवाज, तुर्की बात तुर्की हिंदी बा हिंदी, तुर्की बात तुर्की हिंदी बा हिंदी, एक दो तीन चार प्यार चाहिए कितनी बार, पाँच छः सात आठ नौ दस, बस बस अरे बस 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 बस। चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, छक्के तेरे हम छुड़ा के रहेंगे, हम होश तेरे उड़ा के रहेंगे, कम तो नहीं हम ए बंदा नवाज, कबूतर बाज बबास, करते हैं हम जुबा साथ परवाज, कबूतर बाज बबास, करते हैं हम जुबा साथ परवास, तुर्की बा तुर्की हिंदी बा हिंदी, 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 एक दो तीन चार प्यार चाहिए कितनी बार, पाँच छः सात आठ नौ दस, बस बस अरे बस बस लता। पिताजी क्या इस तरह नाचने में शर्म नहीं आती? विश्वा चलो मेरे साथ। लता पिताजी मेरी बात लता, सुनिए लता। लेकिन आज तू एक शराबी के साथ एक जलील ड्राइवर के साथ भरी महफिल में नाच रही थी। मैं जान दे दूंगा बेटी, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह खुलेआम बर्बाद नहीं होने दूंगा। नहीं पिताजी, मैं आपकी इज्जत बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप बरसों से अपनी इज्जत खुद बर्बाद कर रहे हैं। आपकी नजरों में वो लोग अच्छे हैं जो अपने देश की दौलत को विदेशों में छुपा कर रखते हैं। उन जैसे नीच लोगों से रिश्ता जोड़ना आपकी नजरों में इज्जत की बात है, मगर अपनी हिम्मत के पैरों पर खड़े एक देश प्रेमी से रिश्ता जोड़ना आपकी नजरों में गुनाह है, पाप है। पिताजी एक बात और बता दूं, आप जैसे दो कोड़ी का ड्राइवर समझ रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो विश्वा है, कानून की रखवाली करने वाली शारदा देवी का बेटा। क्या? और मैं उसके साथ क्यों नाच रही थी, क्यों गा रही थी, अगर ये राज आपको जानना है तो अपने दोस्त सिकंदर लाल ठक्कर की बर्थडे पार्टी पे आ जाइए, तो सच्चाई क्या है आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगी। ठक्कर साहब जिंदाबाद, ठक्कर साहब अमर रहे, ठक्कर साहब जिंदाबाद, ठक्कर साहब अमर रहे। मुबारक हो ठक्कर साहब, मुबारक हो। अपनी सालगिरह की मुबारकबादी के साथ साथ एक और मुबारकबादी भी कबूल कर लीजिए। एक और मुबारकबादी? वो क्या है? वो ये है कि आज से आपकी 100 लॉरियां आपके कब्जे से जा रही हैं। इतने बड़े बोझ से आज आप हमेशा के लिए आजाद हो गए, उसी की मुबारकबादी दे रहा हूं ठक्कर साहब। अच्छा, मेरी 100 लॉरियां मेरे कब्जे से जा रही हैं, किस खुशी में? खुशी की बात है ठक्कर साहब, क्योंकि आपने अपनी 100 लॉरियां अपने नाम नहीं अपने ड्राइवरों और क्लीनरों के नाम कर दी है, और उनका हिसाब आप सरकार को नहीं दिखाते इस खुशी में। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तमाम लारियां मेरे नाम की नहीं है? या, 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 या। मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता ठक्कर साहब। ये रहा सबूत जो ये साबित करेगा कि आपकी तमाम लॉरियां गैर कानूनी और बेनामी हैं। ए, अपनी हाथ में रहो वरना बर्बाद करके रख दूंगा। इन्हें बाद में बर्बाद करना मिस्टर सिकंदर लाल कट्टर। सॉरी ठक्कर, पहले अपनी बर्बादी के जश्न में आए हुए इन मेहमानों का स्वागत तो कीजिए, या आपके महफिल में बर्बादी का चिराग जलाने आए हैं। आइए ऑफिसर साहब आइए, यही है मिस्टर सिकंदर लाल हटकर। नहीं नहीं ठक्कर,
मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर, वी आर फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें खबर मिली है कि आप गैर कानूनी तरीके से लॉरियों के मालिक हैं, और ये तमाम लॉरियाँ आप बेनामी तरीके से चला रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऑफिसर साहब, आपको गलत खबर मिली है। ठक्कर साहब को अपने गरीब ड्राइवरों और मुफलिस क्लीनरों से इतना प्यार है कि इन्होंने फाइनेंस करवा के इन सबको इनकी नाम की लॉरियां खरीद खरीद कर दी हैं। सबूत के तौर पर ये फाइल देख लीजिए, कोई गाड़ी बेनामी नहीं, सभी ड्राइवरों के नाम पर है। क्यों ठक्कर साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही 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 कह रहा है बिल्कुल। अरे क्या सोच रहे हो साहब, अब भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी और इसी वक्त मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके नाम पर लॉरिया है, और वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाएंगे। वो क्या है कि ये सब लोग ठक्कर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए अपनी अपनी गाड़ियां इनके घर के सामने रखते हैं। देखेंगे। अरे भाई नरेश। हाँ जी। हरीराम। आया भैया। फरीद। अरे चलो भाई अपनी अपनी गाड़ियां ले जाओ, नहीं तो ठक्कर साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ ठक्कर साहब, हमें गलत खबर मिली थी, हम जा रहे हैं। नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका नाम सिर्फ सिकंदर लाल ठक्कर नहीं, आप दिल के भी सिकंदर हैं। आपने अपने नौकरों को 100 लॉरियां दान में दे दी। वाह 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 वाह। अच्छा ठक्कर साहब, आइए आइए आइए। ठक्कर साहब नमस्ते, चलते हैं, अगली बर्बादी में मिलेंगे, लटकाइए। आप भगवान का रूप है, हनुमान जैसे। जय हनुमान। नमस्ते, चलो। I am extremely sorry, ठक्कर साहब, आपकी सारी लारियां एक साथ चले जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। ईश्वर प्रसाद, अपना दुख और अपनी झूठी हमदर्दियां संभाल कर रखना, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। ये सब तुम्हारी बेटी की चाल थी, उसे 2 कोड़ी के ड्राइवर के साथ मिलकर आज हमारा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। आप गलत समझ रहे हैं, वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं है, दरअसल वो जस्टिस शारदा देवी का बेटा है। विश्वा जस्टिस शारदा देवी का बेटा है? जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरा होने वाला दामाद है। अच्छा मैं चलता हूँ। पिताजी, इसने तो हम सबका टाइप बिगाड़ दिया, 100 लारियां सरकार के पास चली गई और ये जा रहा अपने होने वाले दामाद के पास। मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरी शादी का क्या होगा? अबे मरता क्यों है? तेरी शादी होगी और इसी लता से होगी, मगर इससे पहले इन लोगों से निपटना होगा। आज हिम्मत विश्वा की है और दिमाग जस्टिस शारदा देवी का। अब देख दिमाग से दिमाग को मारकर हिम्मत के हाथ में हथकड़ी कैसे पहनाता हूँ। ये विश्वा अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वक्त हुआ? वक्त में मैं बताता हूँ जस्टिस शारदा देवी, इस वक्त ठीक रात के 8:40 हुए हैं और ये मेरा हमेशा तुम्हारे घर में आने का वक्त है। इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? 25 साल पहले मैंने जो गलती की थी उस गलती को आज सुधारने आया हूँ। उस रोज तुम्हारी गोद से छोटे से सपोले को खिड़की से फेंकवा कर मैंने देखा नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया, मगर आज पता चला कि वो मरा नहीं जिंदा है और सर में कानून का जहर लेकर घूमने वाली इस नागिन की छत्र छाया में पल रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर अब वो सपोला नहीं रहा बल्कि नाग बन चुका है, शंकर भगवान के गले वाला नाग जो पापियों को ढूंढ ढूंढ कर डसता है। अच्छा, और तुम बहुत मुद्दत तक अपने गुनहगार चेहरे पर झूठ की चादर चढ़ाकर बैठते रहे, मगर अब तुम्हारे चेहरे से चादर हटने का वक्त आ गया है। अब अगर तुम ये दुनिया छोड़कर भी भाग जाओ तो विश्वा तुम्हें उस दुनिया में आकर मौत की नींद सुला देगा। सिकंदर लाल ठक्कर जैसे को मौत की नींद सुनाना इतना आसान काम नहीं है, इस ठक्कर से तो मौत भी टक्कर लेते हुए कांपती है, और अगर इत्तेफाक से मौत करीब आती भी है तो अपनी चाल की जाल में उसे ऐसे फांस लेता है जैसे आज मैं तुम्हें फांसने आया हूँ। इस बार मुझे मौत से तुम बचाओगी और देखो कैसे। Oh, no, 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 no,
माँ 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 अपने चाहने वालों को अपने घर में न पाकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा सही सलामत मेरे पास हैं। और अगर तुम उनको हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहते हो तो एक काम करो, इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर मेरे आदमी कार लिए खड़े हैं, चुपचाप उस कार में जाकर बैठ जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों तक पहुंचा देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे चाहने वालों की भलाई चाहने वाला तुम जानते हो कौन। आपकी अदालत में इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं, मगर मेरी इस अदालत में आपकी जबान पर ताला लगाया गया है। खामोशी से सुनिए, इस गद्दार ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, मंडप से मेरी होने वाली बहू को भगा कर ले गया। अगर इस जुर्म में मैं इसकी टांगों को तोड़वा दूं तो आप अपने कानून दफा 302 के तहत मुझे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती है। इसने इन हाथों से मुझ पर कातिलाना हमला किया, और अगर मैं इसके इन हाथों को तोड़ दूं तो आप अपने कानून के 101 के तहत मुझे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती। इसके बाद इसने मुझसे मेरी 100 लारियां छीन ली, अरे इसकी गर्दन काट कर इसकी जान ले लूं तो आप अपने कानून के दफा 302 के तहत मुझे सजाए मौत देने का कोई हक नहीं रखती। लेकिन अगर ये मेरा सिर्फ एक काम करे, इस मुल्क में दहशत फैलाने के लिए खतरनाक हथियारों से भरी हुई लारी को सरहद के पार ले जाए, मैं जुर्म माफ कर दूंगा। और मैं यह भी जानता था कि यह इस काम के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए मैं इसकी मां और उसकी माशूका को अगवा करके ले आया, और अगर इसके बावजूद यह इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो मैं दोनों को कत्ल करवा दूंगा, और इन दोनों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करवा दूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि माँ का टुकड़ा कौन सा और माशूका का टुकड़ा कौन सा है। अरे ठक्कर, कत्ल की धमकी किसको देता है? देश को गद्दारों के हाथ बेचकर हम जिंदगी खरीदने वालों में से नहीं है। विश्वा देशभक्त है, प्यार और ममता के लिए अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देशभक्त किस्म के लोग हैं, मगर मेरे पास कुछ ऐसे तोहफे हैं जो मैं देशभक्तों को पेश करता हूँ तो वो सीधे वफादारी से गद्दारी भी उतर आती है। नमूना पेश करूं? ए, हमारे बर्थडे का केक लाओ तो। अगर तुमने मेरा काम करने से इनकार किया तो तुम्हें भी दो कॉफिन तोहफे में पेश किए जाएंगे, एक में तुम्हारी माँ की लाश होगी और दूसरी में लता की लाश होगी। और अगर तुमने मेरा काम किया, हथियारों को सरहद के पार पहुंचा दिया, तो दोनों को सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। बड़ा आसान सा सौदा है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। That's it. लॉरी लेकर जाना कहाँ है? तुम सिर्फ लॉरी ले जाओ, कौन से रास्ते से जाना है, कौन सी मंजिल पे पहुंचना है, ये तुम्हें रास्ते में बता दिया जाएगा। गाड़ी में क्या है? जी कबूतर। कबूतर? इसके पेट के अंदर क्या है? हेलो विश्वा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। साहब ये विश्वा है, इसने हाईवे पर स्मगलिंग के बारे में कई बार खबर देकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है। ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके अलावा ये ट्रक ड्राइवरों को ट्रक का मालिक बनाने वाला सोशलिस्ट है। हवलदार गेट खोल दो। ठहरो, चाहे ये कितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन इस हाईवे पर स्मगलिंग जोरों से चल रही है, हम इसकी तलाशी जरूर लेंगे। हवलदार गाड़ी की तलाशी लो। विश्वा ट्रक चलाओ, तोड़ दो ये चेक पोस्ट। कमान विश्वा।
मेरे हाथों की हथकड़ियां कैसे टूट गई ये देखकर ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात सुनाने वाला हूं। वो सुनकर तुम्हारे शैतानी दिमाग पर ताज्जुब का एटम बम फट जाएगा। लेकिन यह सुनने से पहले तुम मेरी माँ और लता को आजाद कर दो। यहां तक वफादारी निभाते निभाते आखिर गद्दारी पर उतर आए। इस गद्दारी का अंजाम जानते हो? अंजाम की धमकी बाद में देना ठक्कर, इससे पहले एक बार केबिन की तरफ देख ले। इस वक्त तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर तुझे तेरे बेटे की जिंदगी प्यारी है तो मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दे। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। अपने लोगों को ले जाओ, मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। साजन, चलो। साजन। मौत देखना चाहती है। कानून की कसम मां, जाओ यहां। बैठो मां, दरिंदे ने इतने जुर्म किए हैं, अगर सजा सजा दी जाए फिर भी इसके लिए कम है। इसने मेरी बहन जिसकी शादी होने वाली थी उसकी इज्जत को पाप के पैरों तले कुचलवा कर उसका खून करवा दिया।
अगर इसके बदले मैं इसके पैर तोड़ दूं, कानून के दफा 344 के तहत मुझे मुजरिम मत ठहराइएगा। इस जलील ने मेरे पिताजी का बेरहमी से कत्ल किया और बचपन में मुझे माँ की गोद से छीन कर तन्हाई की आग में चलने के लिए फेंक दिया। मेरा कसूर क्या था? इस जुर्म में अगर मैं इसके हाथ तोड़ दूं, तो आप अपने कानून के दफा 506 के तहत मुझे सजा पर मत ठहराइएगा। योर ऑनर, इस देशद्रोही ने देश का अमन बर्बाद किया, मासूम बेगुनाहों की जान ली। इस जुर्म में अगर मैं इसके पापी शरीर से इसकी जान निकाल लूं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारे बाप के पवित्र खून की कसम, तुम ये खून नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हें मेरी कसम। विश्वा, मेरा बेटा। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हो गया? पिताजी, 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 मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था कि आपकी बहू माँ बनने वाली है पिताजी, और मैं बाप, और पिताजी आप दादाजी बनने वाले हैं। पिताजी, हम लोगों ने फैसला किया है कि अपने होने वाले बच्चे का नाम आपके नाम पे रखेंगे पिताजी। नहीं बेटा, नहीं, मुझ गद्दार के नाम पर उस मासूम फरिश्ते का नाम मत रखना। किसी देशभक्त के नाम पर, मातृभूमि के नाम पर जान की बाजी लगाने वाले के नाम पर उसका नाम रखना बेटे, उसका नाम विश्वा रखना। विश्वा? हाँ पिताजी। सिकंदर लाल ठक्कर के जुर्मों की बुनियाद पर अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। जस्टिस शारदा देवी ने विश्व प्रताप के मुकदमे में जो फैसला सुनाया था, अदालत ने उसे हक बजानिब करार दिया। फिर भी विश्व प्रताप ने अपने जुर्म का इकबाल किया, अदालत ने उसे सजा दी, मगर वो बहुत जल्द सजा भुगत कर वापस आ गया। गुरु गुरु, आ जाओ गुरु, प्यार में यहाँ डुबो, घर में वहाँ डुबो, गहराई आज कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ ना पूछना। वही 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 गुरु गुरु, आ जाओ सनम, संग संग खूब जाओ।